हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे एम के मूवी फैक्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हिंदी भाषा में बनी फिल्म भूत पुलिस मूवी के। आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करने लेकर हाजिर हुए हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी, जैसे कि दोस्तों फिल्म के स्टार कास्ट, यह फिल्म की सुपरस्टार और यह फिल्म का डायरेक्टर के साथ साथ दोस्तों फिल्म की प्रोड्यूसर और यह फिल्म की रिलीज डेट के साथ दोस्तों यह फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, क्या आप फिल्म भूत पुलिस मूवी को दोस्तों हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पर देखना बेहद पसंद करते हैं? तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलो बात की जाए फिल्म पौन कृपा लानी की डायरेक्टर में बनी फिल्म भूत पुलिस है, जो कि दोस्तों इस फिल्म को रिलीज 10 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म 2021 में रिलीज हुई फिल्म है, जो दोस्तों इस फिल्म को 129 मिनट के रना टाइम के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था, जो हिंदी भाषा के साथ बनी। और दोस्तों मात्र यह फिल्म 40 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म है। फिल्म भूत पुलिस 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की बॉलीवुड हॉरर फिल्म है, जो दोस्तों पवन कृपलानी द्वारा निर्देशित और रमेश तवरानी और अक्षय पुरी द्वारा निर्मित है। फिल्म में दोस्तों सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम और जावेद जफरी है। और दोस्तों इसका प्रीमियर 10 सितंबर 2021 को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हुआ था। फिल्म दोस्तों दो भाई विभूति और चिरंजी ओझा गुन्ना का अंधा लात चलाते हैं और दोस्तों यह साथ मिलकर पूरे देश में घूमते हैं। उल्टा बाबा एम सन्स के नाम से मशहूर है। हालांकि दोस्तों अलौकिक प्राणियों और भूत प्रेत की बारे में कुछ नहीं जानते और केवल दोस्तों लोगों को अधिविवास पर ही दिखाते हैं। फिल्म में दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता सैफ अली खान फिल्म में विभू बैद के रूप में दिखाई दिए हैं और वही दोस्तों अर्जुन कपूर चिरंजीव चिंकू और बैद के रूप में अर्जुन अपना रोल निभाए हैं। कनिका कानो कुलभूषण के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम माया और मयू कुलभूषण के रूप में है। इंस्पेक्टर छेदी लाल के रूप में जावेद जफरी, जी एम हरि कुमार के रूप में अमित मिस्त्री है, जेमी लीवर लता के रूप में हैं और दोस्तों भरवा सच्चा देवा जो दोस्तों उम्मेद दज्जी वैद उर्फ उलट बाबा के रूप में दिखाई दिए हैं। फिल्म को दोस्तों समीक्षकों से मिले जुले सकारात्मक समीक्षाएं मिली। उन्होंने दोस्तों इसके कथनाक कलाकारों विशेष रूप से सैफ अली खान और यामी गौतम के प्रदर्शन हास्य दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों फिल्म की तो बात की जाए तो इस पाठक कथा की आलोचना बॉलीवुड पौन कृपलानी की सह कहानी स्त्री और रूही को एक झलक देती है। लेकिन दोस्तों अन्य दो फिल्मों के विपरीत यह फिल्म घोष्ट भ्रष्ट पर केंद्रित है। यह एक अनोखा स्पर्श देता है और कोई मोई ने इसे सकारात्मक समीक्षा दी, 5 में से 3 सितारे रेटिंग दी और कहा कि इफ यू वे गॉट इट हंट और सैफ अली खान भी वही करते हैं, जो दोस्तों फर्स्ट पोस्ट ने इसे 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी है। लिखा कि दोस्तों सैफ अली खान एक शानदार हॉरर कॉमेडी में जलवा बिखरते हैं और फिल्मी बीट ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि यदि आप कुछ ठंडक महसूस करने की उम्मीद के साथ भूत पुलिस में उतरते हैं और दोस्तों तो आप निराश हो सकते हैं, निश्चित रहें। और फिल्म सैफ अली खान की रोमांचक हरकतों से भरपूर इंडियन एक्सप्रेस ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि सैफ अली खान बहुत मजा कर रहे हैं। और दोस्तों सुनिश्चित करते हैं कि हम भी ऐसा करें
और एनडीटीवी ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि ब्रिजी कैपर फिल्म में सैफ अली खान कॉमेडी के लिए अपना जलवा लेकर आएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि यह बचकाने हर्रा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की दोस्तों बात की जाए यह फिल्म की कथा की ओर, तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक गांव में एक युवक लड़की पर भूत भगाने के लिए पहुंचने से होती है, जिसे दोस्तों उस पर उसके दिवंगत दादा का साया था। हालांकि दोस्तों विभूति को जल्द ही पता चलता है कि लड़की उस पर कब्जा करने का दिखावा कर रही थी, जिसे दोस्तों वह स्वीकार भी करती है और पता चला उसे के माता पिता उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे, जबकि दोस्तों वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और भाई उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। और दोस्तों यद्यपि चिरंजी अपने भाई द्वारा इस्तेमाल किए जाने और अवैध तरीकों के खिलाफ दोनों एक नकली भूत भगाने का काम करते हैं, बाद में दोस्तों भाई नए मामले को तलाश में एक तांत्रिक मेल में पहुंचते हैं और जबकि वो पति एक ग्राहक के साथ व्यस्त होता है, तो दोस्तों चिरंजी अपने पिता की किताब को समझने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके साथ शिविर छोड़ देता है। हालांकि दोस्तों पुस्तक को प्रयुक्त लिपि एक प्राचीन भाषा है जिसे दोस्तों कोई पढ़ना नहीं जानता है। पराजित और थका हुआ चिरंजी अपने पिता से उसे एक संकेत दिखाने और उसकी मदद करने के लिए कहता है, जो चतुराई से किताब को पहाड़ी से नीचे लुढ़का देता है और माया नाम की एक लड़की के चरणों में रुक जाता है। जब दोस्तों चिरंजी उसे किताब लेता है तो वह गलती से उसे ढूंढ लेता है। प्राचीन पुस्तक को पढ़ने की कुंजी और अपने भाई को सूचित करने के लिए भाग जाता है। विपुल को पहले तो कोई दिलचस्पी नहीं होती है और दोस्तों उसके बीच एक हास्यास्पद बहस होती है जब अचानक भूपति पुलिस इंस्पेक्टर छेदीलाल को उनकी तलाश करते हुए देखती है, तो दोस्तों फिर भी भूपति चिरंजी को सारा सामना पैक करने के लिए कहती है। और दोस्तों वैन वैन और भागती है और छेदीलाल का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि दोस्तों वह उसका छोटा भाई दोनों भाग सके। इसी बीच चिरंजी माया को उल्टा बाबा के भेष में एक अन्य बाबा गागल बाबा के साथ पता है, जो दोस्तों धोखेबाज होने के कारण परेशान और साथ ही निराश होकर वह माया को उनके असली उल्लत बाबा और बेंटो के बारे में सच्चाई बताता है। कुछ ही मिनटों में भूपति आती है और तीनों धर्मशाला के लिए निकल पड़ते हैं। माया उन्हें बताती है कि किसे 27 साल पहले उनके पिता कुख्यात उल्लाट बाबा ने धर्मशाला में उनके चाय बगान से चिंकड़ी नाम के एक असाधारण संस्था को भागने में उनके पिता की मदद की थी। अब वही किच्चकंडी वापस आ गई है और मजदूर रात होने के बाद कारखाने में काम करने से डर रहे हैं और वैन गांव की पहुंचती है और माया की बहन कानिका को छोड़कर सभी लोगों को दोनों को गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जबकि दोस्तों चिरंजीव गांव के लोगों का साक्षात्कार लेता है जिसमें प्रत्येक के पास चिंकड़ी द्वारा प्रेतवादित होने के अलग अलग वितरण हैं। भूपति
तितली नाम की एक छोटी लड़की का मनोरंजन करता है और माया उल्लत बाबा की एक तस्वीर देखती है और एक व्यक्ति को देखती है जो दोस्तों अभी भी आसपास है। और संतो नाम का एक व्यक्ति है, भाई सेंटो से मिलने जाते हैं जो एक मठ में रहता है। सेंटो याद करता है कि कैसे 27 साल पहले उसकी पत्नी पर चिंगकाडी ने कब्जा कर लिया था, जिससे दोस्तों दो लोगों की मौत हो गई थी। सेंटो हमेशा के लिए आधा हो गया था। उल्लट बाबा आए और जंगल में भूत भगाने का काम किया था। चिंगकड्डी की आत्मा को एक जार में एक हड्डी में फंसाया और एक जले हुए पेड़ में सुरक्षित कर दिया है। हालांकि दोस्तों सेंटो की पत्नी की मृत्यु हो गई और भाई जंगल में जाते हैं और वहीं जार ढूंढते हैं। विपत्तु और अलौकिक पर संदेह करता है, जार को तोड़ देता है और हड्डी को जंगल में छोड़ देता है। माया का कुत्ता शंको मुंह में हड्डी लेकर माया के शयन कक्ष में आता है और परिणाम स्वरूप माया वशीभूत हो जाती है और विभूति जो अभी भी संशय में है और पता है कि प्रबंधक चाय के ग्रामीणों को डराने के लिए असली भूत होने का नाटक कर रहा था, ताकि दोस्तों कानिका अपनी बहन को उनकी संपत्ति बेचने के लिए मना कर सके और विभूति पैसे के बदले में नकली भूत भगाने के लिए सहमत हो जाता है। नकली भूत भगाने के दौरान विभूति ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाने के लिए एक नाटकीय प्रसिद्ध परिदृश्य बनाने के लिए उनके जानकारी के बिना चियारू अनाजी के पेय में नशीला पदार्थ मिला था। चिरंजी को इस बात का पता चलता है और दोनों भाई झगड़ पड़ते हैं और अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। विभूति का सामना फिर से तितली से होता है और छेदी से दूर भागते समय उसे एहसास होता है कि तितली वास्तव में एक भूत और वह खुद भी भूतों पर विश्वास करने लगता है। किचकंडी जिसके पास अब माया है और चिरंजी पर हमला करता है और चिरंजी गलती से आत्मा को माया के शरीर से भूपति के शरीर में स्थानांतरित कर देता है, जबकि दोस्तों उसका इरादा इसे खुद में स्थानांतरित करने का था। चिरंजी अपने पिता के ज्ञान की मदद से देखता है और कि चिंकड्डी वास्तव में तितली की माँ है और उन दोनों को जमीन के ब्रिटिश मालिकों ने मार डाला था। किंचकड्डी को जिंदा जला दिया गया था, जबकि दोस्तों तितली को तब गोली मार दी गई थी जब वह अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। किंचकड्डी अपनी बेटी की तलाश कर रही है और भाई और गिरोह के बाकी लोग किच्चकंडी को फिर से मिलने में मदद करते हैं। और दोस्तों आत्माएं आकाश में उड़ जाती है। माया और कानिका ने अपने बहन के बंधक की पुष्टि की और स्क्रीनिंग काली हो जाती है। और दोस्तों गाना आई आई भूत पुलिस बजने लगता है, जो दोस्तों फिर हम छेदीलाल को एक अज्ञात व्यक्ति के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जो उसे पूछता है कि क्या भूत पुलिस वेयरवुल्फ्स और पिशाचों से जुड़े मामले को लेने के लिए तैयार है। छेदीलाल ने अगली कड़ी की इशारा करते हुए उसे पहले स्कॉटलैंड के लिए 3 बिजनेस क्लास टिकट बुक करने के लिए कहा था।
फिल्म में सुपरस्टार बात की जाए तो दोस्तों सैफ अली खान, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फिल्म भोजपुरी में अपने जबरदस्त भूमिका के साथ दोस्तों देखने को नजर आए हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड की मूवी में काम करते हैं, जो दोस्तों मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और पद्मावती परिवार का हिस्सा है। वह दोस्तों अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और क्रिकेटर मंसूर अली खान की पद्मावती बेटे हैं। खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की नजर डाली तो दोस्तों उन्होंने 1991 में खान को राहुल रवैया की रोमांटिक ड्रामा बेखुदी, 1992 में नवोदित काजल के साथ मुख्य भूमिका के लिए लिया गया था। लेकिन दोस्तों फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल पूरा करने के बाद रवेल ने उनके प्रोफेशन माना और उनकी जगह कमल सतना को ले लिया गया था। फिल्म बेखुदी के दौरान खान की मुलाकात अभिनेत्री अमृता सिंह से हुई, जिसने दोस्तों उन्होंने अक्टूबर 1991 में शादी की थी। सिंह ने उनकी बेटी सारा अली खान जो 1995 और उनके बेटे जन्म 2001 को जन्म दिया, जो 2004 में उन्होंने छोड़ जोड़ा अलग हो गया था। अभिनेत्री रवीना टंडन और सनी देओल के साथ माध्यम रूप से सफल इम्तिहान 1994 में उपस्थिति के बाद खान ने अगली दो रिलीज के लिए अक्षय कुमार के साथ जोड़ी बनाई थी। यह राज फिल्म्स को हिट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ये दिल लगी और एक्शन, और दोस्तों इसमें एक ड्राइवर की बेटी काजल द्वारा अभिनीति और उसके पिता के नियोक्ताओं के दो बेटे जो कुमार और खान द्वारा अभिनीत के बीच एक प्रेम त्रिकोण को दर्शाया गया था। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी खिलाड़ी श्रृंखला की पूरी दूसरी फिल्म है और खान को एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में दिखाया गया था, जो दोस्तों यह साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और फिल्म बनकर उभरी थी। बॉलीवुड हंगामा ने बताया कि दोनों फिल्म की सफलताएं खान के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई है और दोस्तों मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन दिलाया था। इंडियन एक्सप्रेस ने दोनों फिल्म में उनके अभिनय को प्रमुखता दी और बाद में उनकी कॉमिक टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब भी वह स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो दोस्तों दर्शक हंसते हंसते लोटपेट हो जाते हैं। खान की वर्ष की अगली दो रिलीज नाटक यार गद्दार और आयो प्यार करे असफल रही थी। 1990 के दशक के दौरान उनके करियर में लगातार गिरावट देखी गई और सभी 9 फिल्मों में उनके अभिनय किया। सुरक्षा 1995, एक था राजा 1996, बम्बई का बाबू 1996, तू चोर मैं सिपाही 1996 और दिल तेरा दीवाना 1996, हमेशा 1997, उड़ान 1997 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों लगातार 4 वर्षों तक खराब प्रतिक्रिया पाने वाली फिल्मों के बाद उन्होंने 1991 में खान के कैरियर में संभावनाओं में सुधार होना शुरू हुआ था। वह दोस्तों 4 फिल्मों में दिखाई दिए और ये है मुंबई मेरी जान, कच्चे धागे, अर्जु और हम साथ साथ है रोमांटिक कॉमेडी, ये है मुंबई मेरी जान ट्विंकल खन्ना के साथ, और रोमांस अर्जु माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार के साथ। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कमाई की, लेकिन दोस्तों एक्शन थ्रिलर कच्चे धागे दो बिगड़े भाइयों की कहानी आतंकवादी साजिश का निशाना में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में बाद में खान की पहली भूमिका व्यावसायिक सफलता थी और मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित फिल्म आमतौर पर खूब सराहा गया था। लेकिन दोस्तों आलोचकों ने कहा कि सह अभिनेता अजय देवगन खान पर भारी पड़ेंगे। हालांकि दोस्तों
इस फिल्म ने खान को कैरियर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नामांकन दिलाया था। खान ने बॉस की अपनी अंतिम रिलीज सूरज बारजात्या द्वारा निर्देशित पारिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है को मनोबल बढ़ाने वाली बताया था और फिल्म को कलाकारों की टोली मोहनीश बहल, तब्बू और सलमान खान, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर शामिल थी। और दोस्तों यह फिल्म दुनिया भर में 800 मिलियन यानी US$10 मिलियन से अधिक का कलेक्शन के साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। हम साथ साथ है फिल्म की फिल्मांकन के दौरान खान पर सौ कलाकारों सलमान खान, तब्बू, नीलम कठोरी के साथ कंकनी में दो काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अर्जुन और अभिनेत्री की बात की जाए तो इस फिल्म में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस फिल्म भूत पुलिस में अपनी जबरदस्त भूमिका के साथ दोस्तों देखने को नजर आई है। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस यह एक श्रृंखलाई अभिनेत्री है जो दोस्तों मॉडल जो उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। फर्नांडिस का जन्म और पालन पोषण बहरेन में हुआ है। सिडनी विश्वविद्यालय में संचालक जनसंचार में स्नातक होने का श्रृंखला में एक टेलीविजन रिपोर्टर्स के रूप में काम करने के बाद वह मॉडलिंग उद्योग में शामिल हो गई है। 2006 में दोस्तों उन्होंने फिल्म यूनिवर्स श्रृंखला का ताज पहनाया गया था। उन्होंने मिस यूनिवर्स 2006 में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया गया था। 2009 में दोस्तों भारत में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान फर्नांडिस ने सुजाव घोष के फंतासी नाटक अलादीन के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था, जिससे दोस्तों उनके अभिनय की शुरुआत हुई और उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आईफा अवार्ड मिला था। फर्नांडिस को मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मर्डर 2 2011 में सफल भूमिका मिली जो दोस्तों उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। इसके बाद दोस्तों व्यावसायिक रूप से सफल एनसेबल कॉमेडी हाउसफुल 2 2012 और एक्शन थ्रिलर रेस 2 2013 में ग्लैमरस भूमिका निभाई है, जिसमें दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन के लिए आईफा अवार्ड मिला था। फर्नांडिस ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक एक्शन फिल्म किक 2014 और विक्रांत रोना 2022 और कॉमेडी हाउसफुल 3 2016 और जुड़वा 2017 में अभिनय किया था। और दोस्तों अब अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस 2009 में फर्नांडिस ने मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत की यात्रा की। उन्होंने अपने अभिनय के पहली फिल्म सुजाया घोष की फंतासी फिल्म अल्लादीन 2009 के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था। उन्होंने दोस्तों रितेश देशमुख के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभाई। यह भूमिका राजकुमार जैस्मिन के चरित्र पर आधारित थी। और दोस्तों CNAIBN के राजीव मसंद ने महसूस किया कि वह आंखों पर आसान है और आत्मविश्वासी लगती है, लेकिन दोस्तों उसके पास करने के लिए बहुत कम काम है। हालांकि दोस्तों फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही थी। उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आईफा पुरस्कार जीता था। 2010 में दोस्तों फर्नांडिस साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी जाने कहां से आई थी जो दोस्तों इसमें रितेश देशमुख के साथ दिखाई दिए थे। उन्होंने विनस की एक लड़की के रूप में प्रस्तुत किया गया था जो दोस्तों प्यार की तलाश में पृथ्वी पर आती है और फर्नांडिस के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म को खराब समीक्षा को मिली है। महेश भट्ट की थ्रिलर मर्डर 2 फर्नांडिस की पहली व्यावसायिक सफलता थी जो दोस्तों
यह उनके कैरियर की एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। उन्होंने दोस्तों एक अकेली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलो बात की जाए फिल्म पोन कृपल लानी की डायरेक्टर में बनी फिल्म भूत पुलिस है, जो कि दोस्तों इस फिल्म को रिलीज 10 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म 2021 में रिलीज हुई फिल्म है, जो दोस्तों इस फिल्म को 129 मिनट की रना टाइम के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था, जो हिंदी भाषा के साथ बनी। और दोस्तों मात्र यह फिल्म 40 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म है। फिल्म भूत पुलिस 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की बॉलीवुड हॉरर फिल्म है, जो दोस्तों पवन कृपलानी द्वारा निर्देशित और रमेश तौरानी और अक्षय पुरी द्वारा निर्मित है। फिल्म में दोस्तों सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम और जावेद जफरी हैं। और दोस्तों इसका प्रीमियर 10 सितंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ था। फिल्म दोस्तों दो भाई विभूति और चिरंजी ओझा गुन्ना का अंधा लात चलाते हैं, और दोस्तों यह साथ मिलकर पूरे देश में घूमते हैं। उल्टा बाबा एंड सन्स के नाम से मशहूर है। हालांकि दोस्तों अलौकिक प्राणियों और भूत प्रेत की बारे में कुछ नहीं जानते, और केवल दोस्तों लोगों को अधिक अधिविश्वास पर ही दिखाते हैं। फिल्म में दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता सैफ अली खान फिल्म में विभूति विभू बैद के रूप में दिखाई दिए हैं, और वही दोस्तों अर्जुन कपूर चिरंजीव चिंकू और बैद के रूप में अर्जुन अपना रोल निभाए हैं। कनिका कानो कुलभूषण के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम माया और मयूर कुलभूषण के रूप में हैं। इंस्पेक्टर छेदी लाल के रूप में जावेद जफरी, जी एम हरि कुमार के रूप में अमित मिस्त्री है, जेमी लीवर लता के रूप में हैं, और दोस्तों भरवा सच्चा देवा जो दोस्तों उम्मे दच्ची वैद उर्फ उल्टा उलट बाबा के रूप में दिखाई दिए हैं। फिल्म को दोस्तों समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने दोस्तों इसके कथानक कलाकारों विशेष रूप से सैफ अली खान और यामी गौतम के प्रदर्शन हास्य दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों फिल्म की तो बात की जाए तो इस पाठक कथा की आलोचना बॉलीवुड पवन कृपलानी की कहानी स्त्री और रूही को एक झलक देती है। लेकिन दोस्तों अन्य दो फिल्मों के विपरीत यह फिल्म घोष्ट भ्रष्ट पर केंद्रित है। यह एक अनोखा स्पर्श देता है, और कोई मोई ने इसे सकारात्मक समीक्षा दी, 5 में से 3 सितारे रेटिंग दी और कहा कि इफ यू वे गाट इट हंट और सैफ अली खान भी वही करते हैं, जो दोस्तों फर्स्ट पोस्ट ने इसे 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी है। लिखा कि दोस्तों सैफ अली खान एक शानदार हर्रर कॉमेडी में जलवा बिखरते हैं, और फिल्मी बीट ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए, और लिखा कि यदि आप कुछ ठंडक महसूस करने की उम्मीद के साथ भूत पुलिस में उतरते हैं और दोस्तों तो आप निराश हो सकते हैं, निश्चित रहें। और फिल्म सैफ अली खान की रोमांचक हरकतों से भरपूर इंडियन एक्सप्रेस ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि सैफ अली खान बहुत मजा कर रहे हैं। और दोस्तों सुनिश्चित करते हैं कि हम भी ऐसा करें, और एनडीटीवी ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि ब्रिजी कैपर फिल्म में सैफ अली खान कॉमेडी के लिए अपना जलवा लेकर आएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि यह बचकाने हर्रा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की दोस्तों बात की जाए यह फिल्म की कथानक की ओर, तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत राजस्थान
एक गांव में एक युवक लड़की पर भूत भगाने के लिए पहुंचने से होती है, जिसे दोस्तों उस पर उसके दिवंगत दादा का साया था। हालांकि दोस्तों विभूति को जल्द ही पता चलता है कि लड़की उस पर कब्जा करने का दिखावा कर रही थी, जिसे दोस्तों वह स्वीकार भी करती है। और पता चला उसे के माता पिता उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे, जबकि दोस्तों वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और भाई उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। और दोस्तों यह यद्यपि चिरंजी अपने भाई द्वारा इस्तेमाल किए जाने और अवैध तरीकों के खिलाफ दोनों एक नकली भूत भगाने का काम करते हैं। बाद में दोस्तों भाई नए मामले को तलाश में एक तांत्रिक मेल में पहुंचते हैं, और जबकि वो पति एक ग्राहक के साथ व्यस्त होता है, तो दोस्तों चिरंजी अपने पिता की किताब को समझने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके साथ शिविर छोड़ देता है। हालांकि दोस्तों पुस्तक को प्रयुक्त लिपि एक प्राचीन भाषा है जिसे दोस्तों कोई पढ़ना नहीं जानता है। पराजित और थका हुआ चिरंजी अपने पिता से उसे एक संकेत दिखाने और उसकी मदद करने के लिए कहता है, जो चतुराई से किताब को पहाड़ी से नीचे लुढ़का देता है और माया नाम की एक लड़की के चरणों में रुक जाता है। जब दोस्तों चिरंजी उसे किताब लेता है तो वह गलती से उसे ढूंढ लेता है। प्राचीन पुस्तक को पढ़ने की कुंजी और अपने भाई को सूचित करने के लिए भाग जाता है। विभूत को पहले तो कोई दिलचस्पी नहीं होती है, और दोस्तों उसके बीच एक हास्यास्पद बहस होती है जब अचानक भूपति पुलिस इंस्पेक्टर छेदीलाल को उनकी तलाश करते हुए देखती है। तो दोस्तों फिर भी भूपति चिरंजी को सारा सामना पैक करने के लिए कहती है। और दोस्तों वैन वैन और भागती है और छेदीलाल का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, ताकि दोस्तों वह उसका छोटा भाई दोनों भाग सके। इसी बीच चिरंजी माया को उल्टा बाबा के भेष में एक अन्य बाबा गागल बाबा के साथ पता है, जो दोस्तों धोखेबाज होने के कारण परेशान और साथ ही निराश होकर वह माया को उनके असली उल्लत बाबा और बेंटो के बारे में सच्चाई बताता है। कुछ ही मिनटों में भूपति आती है और तीनों धर्मशाला के लिए निकल पड़ते हैं। माया उन्हें बताती है कि किसे 27 साल पहले उनके पिता कुख्यात उल्टा उल्लाट बाबा ने धर्मशाला में उनके चाय बगान से छिंकड़ी नाम के एक असाधारण संस्था को भागने में उनके पिता की मदद की थी। अब वही किच्चकंडी वापस आ गई है और मजदूर रात होने के बाद कारखाने में काम करने से डर रहे हैं। और वैन गांव की पहुंचती है और माया की बहन कानिका को छोड़कर सभी लोगों को दोनों को गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जबकि दोस्तों चिरंजीव गांव के लोगों का साक्षात्कार लेता है, जिसमें प्रत्येक के पास चिंकड़ी द्वारा प्रेतवादित होने के अलग अलग वितरण हैं। भूपति तितली नाम की एक छोटी लड़की का मनोरंजन करता है और माया उल्लत बाबा की एक तस्वीर देखती है और एक व्यक्ति को देखती है जो दोस्तों अभी भी आसपास है, और संतो नाम का एक व्यक्ति है। भाई सेंटो से मिलने जाते हैं जो एक मठ में रहता है। सेंटो याद करता है कि कैसे 27 साल पहले उसकी पत्नी पर
काडी ने कब्जा कर लिया था, जिससे दोस्तों दो लोगों की मौत हो गई थी। सेंटो हमेशा के लिए अदा हो गया था। उल्लट बाबा आए और जंगल में भूत भगाने का काम किया था। चिंक कड्डी की आत्मा को एक जार में एक हड्डी में फंसाया और एक जले हुए पेड़ में सुरक्षित कर दिया है। हालांकि दोस्तों सेंटो की पत्नी की मृत्यु हो गई और भाई जंगल में जाते हैं और वहीं जार ढूंढते हैं। विपत्तु और अलौकिक पर संदेह करता है, जार को तोड़ देता है और हड्डी को जंगल में छोड़ देता है। माया का कुत्ता शंख को मुंह में हड्डी लेकर माया के शयन कक्ष में आता है और परिमाणसक रूप माया वशीभूत हो जाती है और विभूति जो अभी भी संशय में है और पता है कि प्रबंधक चाय के ग्रामीणों को डराने के लिए असली भूत होने का नाटक कर रहा था, ताकि दोस्तों कानिका अपनी बहन को उनकी संपत्ति बेचने के लिए मना कर सके और विभूति पैसे के बदले में नकली भूत भगाने के लिए सहमत हो जाता है। नकली भूत भगाने के दौरान विभूति ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाने के लिए एक नाटक के प्रसिद्ध परिदृश्य बनाने के लिए उनकी जानकारी के बिना चियारू अनाजी के पेय में नशीला पदार्थ मिला था। चिरंजी को इस बात का पता चलता है और दोनों भाई झगड़ पड़ते हैं और अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। विभूति का सामना फिर से तितली से होता है और छेदी से दूर भागते समय उसे एहसास होता है कि तितली वास्तव में एक भूत और वह खुद भी भूतों पर विश्वास करने लगता है। किचकंडी जिसके पास अब माया है और चिरंजी पर हमला करता है और चिरंजी गलती से आत्मा को माया के शरीर से भूपति के शरीर में स्थानांतरित कर देता है, जबकि दोस्तों उसका इरादा इसे खुद में स्थानांतरित करने का था। चिरंजी अपने पिता के ज्ञान की मदद से देखता है और कि चिंक कड्डी वास्तव में तितली की माँ है और उन दोनों को जमीन के ब्रिटिश मालिकों ने मार डाला था। किंच कड्डी को जिंदा जला दिया गया था, जबकि दोस्तों तितली को तब गोली मार दी गई थी जब वह अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। किंच कड्डी अपनी बेटी की तलाश कर रही है और भाई और गिरोह के बाकी लोग तितली की किचकंडी को फिर से मिलने में मदद करते हैं और दोस्तों आत्माएं आकाश में उड़ जाती है। माया और कानिका ने अपने बहन के बंधक की पुष्टि की और स्क्रीनिंग काली हो जाती है और दोस्तों गाना आई आई भूत पुलिस बजने लगता है, जो दोस्तों फिर हम छेदीलाल को एक अज्ञात व्यक्ति के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जो उसे पूछता है कि क्या भूत पुलिस वेयरवुल्फ्स और पिशाचों से जुड़े मामले को लेने के लिए तैयार है। छेदीलाल ने अगली कड़ी की इशारा करते हुए उसे पहले स्कॉटलैंड के लिए 3 बिजनेस क्लास टिकट बुक करने के लिए कहा था। फिल्म में सुपरस्टार बात की जाए तो दोस्तों सैफ अली खान, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फिल्म भूत पुलिस में अपने जबरदस्त भूमिका के साथ दोस्तों देखने को नजर आए हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड की मूवी में काम करते हैं, जो दोस्तों मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और पद्मावती परिवार का हिस्सा है। वह दोस्तों अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और क्रिकेटर मंसूर अली खान की पद्मावती बेटे हैं। खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की नजर डाली तो दोस्तों उन्होंने 1991 में खान ने
खान को राहुल रवैया की रोमांटिक ड्रामा बेखुदी 1992 में नवोदित काजल के साथ मुख्य भूमिका के लिए लिया गया था। लेकिन दोस्तों फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल पूरा करने के बाद रवैल ने उनके प्रोफेशन माना और उनकी जगह कमल सद्धना को ले लिया गया था। फिल्म बेखुदी के दौरान खान की मुलाकात अभिनेत्री अमृता सिंह से हुई, जिसने दोस्तों उन्होंने अक्टूबर 1991 में शादी की थी। सिंह ने उनकी बेटी सारा अली खान जो 1995 और उनके बेटे जन्म 2001 को जन्म दिया, जो 2004 में उन्होंने जोड़ा अलग हो गया था। अभिनेत्री रवीना टंडन और सनी देओल के साथ मध्यम रूप से सफल इम्तिहान 1994 में उपस्थिति के बाद खान ने अगली दो रिलीज के लिए कुमार अक्षय कुमार के साथ जोड़ी बनाई थी। यह राज फिल्म्स को हिट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ये दिल लगी और एक्शन, और दोस्तों इसमें एक ड्राइवर की बेटी काजल द्वारा अभिनीत और उसके पिता के नियोक्ताओं के दो बेटे जो कुमार और खान द्वारा अभिनीत के बीच एक प्रेम त्रिकोण को दर्शाया गया था। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी खिलाड़ी श्रृंखला की पूरी दूसरी फिल्म है और खान को एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में दिखाया गया था, जो दोस्तों यह साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और फिल्म बनकर उभरी थी। बॉलीवुड हंगामा ने बताया कि दोनों फिल्म की सफलताएं खान के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई है और दोस्तों मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन दिलाया था। इंडियन एक्सप्रेस ने दोनों फिल्म में उनके अभिनय को प्रमुखता दी और बाद में उनकी कॉमिक टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब भी वह स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो दोस्तों दर्शक हंसते हंसते लोटपेट हो जाते हैं। खान की बॉस की अगली दो रिलीज नाटक यार गद्दार और आयो प्यार करे असफल रही थी। 1990 के दशक के दौरान उनके करियर में लगातार गिरावट देखी गई और सभी 9 फिल्मों में उनके अभिनय किया। सुरक्षा 1995, एक था राजा 1996, बम्बई का बाबू 1996, तू चोर मैं सिपाही 1996 और दिल तेरा दीवाना 1996, हमेशा 1997, उड़ान 1997 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों लगातार 4 वर्षों तक खराब प्रतिक्रिया पाने वाली फिल्मों के बाद उन्होंने 1991 में खान के कैरियर में संभावनाओं में सुधार होना शुरू हुआ था। वह दोस्तों 4 फिल्मों में दिखाई दिए और ये है मुंबई मेरी जान, कच्चे धागे, अर्जु और हम साथ साथ है रोमांटिक कॉमेडी, ये है मुंबई मेरी जान ट्विंकल खन्ना के साथ, और रोमांस अर्जु माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार के साथ। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कमाई की, लेकिन दोस्तों एक्शन थ्रिलर कच्चे धागे दो बिगड़े भाइयों की कहानी आतंकवादी साजिश का निशाना में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में बाद में खान की पहली भूमिका व्यावसायिक सफलता थी और मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित फिल्म आमतौर पर खूब सराहा गया था। लेकिन दोस्तों आलोचकों ने कहा कि सह अभिनेता अजय देवगन खान पर भारी पड़ेंगे। हालांकि दोस्तों इस फिल्म ने खान को कैरियर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नामांकन दिलाया था। खान ने वर्ष की अपनी अंतिम रिलीज सूरज बारजात्या द्वारा निर्देशित पारिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है को मनोबल बढ़ाने वाले बताया था और फिल्म को कलाकारों की टोली मोहनीश बहल, तब्बू और सलमान खान, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर शामिल थी
और दोस्तों यह फिल्म दुनिया भर में 800 मिलियन यानी US 10 मिलियन से अधिक का कलेक्शन के साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। हम साथ साथ है फिल्म की फिल्मांकन के दौरान खान पर सौ कलाकारों सलमान खान, तब्बू, नीलम कठोरी के साथ कंकनी में दो काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अर्जुन और अभिनेत्री की बात की जाए तो इस फिल्म में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस फिल्म भूत पुलिस में अपनी जबरदस्त भूमिका के साथ दोस्तों देखने को नजर आई है। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस यह एक श्रृंखलाई अभिनेत्री है जो दोस्तों मॉडल जो उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। फर्नांडिस का जन्म और पालन पोषण बहरेन में हुआ है। सिडनी विश्वविद्यालय में संचालक जनसंचार में स्नातक होने का श्रृंखला में एक टेलीविजन रिपोर्टर्स के रूप में काम करने के बाद वह मॉडलिंग उद्योग में शामिल हो गई है। 2006 में दोस्तों उन्होंने फिल्म यूनिवर्स श्रृंखला का ताज पहनाया गया था। उन्होंने मिस यूनिवर्स 2006 में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया गया था। 2009 में दोस्तों भारत में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान फर्नांडिस ने सुझाव घोष के फंतासी नाटक अलादीन के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था, जिससे दोस्तों उनके अभिनय की शुरुआत हुई और उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आईफा अवार्ड मिला था। फर्नांडिस को मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मर्डर 2 2011 में सफल भूमिका मिली, जो दोस्तों उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। इसके बाद दोस्तों व्यावसायिक रूप से सफल एनसेबल कॉमेडी हाउसफुल 2 2012 और एक्शन थ्रिलर रेस्ट 2 2013 में ग्लैमरस भूमिका निभाई है, जिसमें दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन के लिए आईफा अवार्ड मिला था। फर्नांडिस ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक एक्शन फिल्म किक 2014 और विक्रांत रोना 2022 और कॉमेडी हाउसफुल 3 2016 और जुडवा 2 2017 में अभिनय किया था। और दोस्तों अब अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस 2009 में फर्नांडिस ने मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत की यात्रा की। उन्होंने अपने अभिनय के पहली फिल्म सुजाया घोष की फंतासी फिल्म अल्लादीन 2009 के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था। उन्होंने दोस्तों रितेश देशमुख के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभाई। यह भूमिका राजकुमार जैस्मिन के चरित्र पर आधारित थी। और दोस्तों CNAIBN के राजीव मसन ने महसूस किया कि वह आंखों पर आसान है और आत्मविश्वासी लगती है, लेकिन दोस्तों उसके पास करने के लिए बहुत कम काम है। हालांकि दोस्तों फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही थी। उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आईफा पुरस्कार जीता था। 2010 में दोस्तों फर्नांडिस साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी जाने कहां से आई थी, जो दोस्तों इसमें रितेश देशमुख के साथ दिखाई दिए थे। उन्होंने विनस की एक लड़की के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो दोस्तों प्यार की तलाश में पृथ्वी पर आती है और फर्नांडिस के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म को खराब समीक्षा को मिली है। महेश भट्ट की थ्रिलर मर्डर 2 फर्नांडिस की पहली व्यावसायिक सफलता थी, जो दोस्तों यह उनके कैरियर की एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। उन्होंने दोस्तों एक अकेली फिल्म भूत पुलिस मूवी को दोस्तों हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पर देखना बेहद पसंद करते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलो बात की जाए फिल्म पवन कृपा लानी की डायरेक्टर में बनी फिल्म भूत पुलिस है, जो कि दोस्तों इस फिल्म को रिलीज
10 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म 2021 में रिलीज हुई फिल्म है। जो दोस्तों इस फिल्म को 1 से 29 मिनट की रना टाइम के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था, जो हिंदी भाषा के साथ बनी। और दोस्तों मात्र यह फिल्म 40 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म है। फिल्म भोजपुरी 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की बॉलीवुड हॉरर फिल्म है, जो दोस्तों पवन कृपलानी द्वारा निर्देशित और रमेश दौरानी और अक्षय पुरी द्वारा निर्मित है। फिल्म में दोस्तों सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम और जावेद जफरी है। और दोस्तों इसका प्रीमियर 10 सितंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ था। फिल्म दोस्तों दो भाई विभूति और चिरंजी ओझा गुन्ना का अंधा लात चलाते हैं, और दोस्तों यह साथ मिलकर पूरे देश में घूमते हैं। उल्टा बाबा एंड सन्स के नाम से मशहूर है। हालांकि दोस्तों अलौकिक प्राणियों और भूत प्रेत की बारे में कुछ नहीं जानते, और केवल दोस्तों लोगों को अधिक अधिविश्वास पर ही दिखाते हैं। फिल्म में दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता सैफ अली खान फिल्म में विभूति विभू बैद के रूप में दिखाई दिए हैं, और वहीं दोस्तों अर्जुन कपूर चिरंजीव, चिंकू और बैद के रूप में अर्जुन अपना रोल निभाए हैं। कनिका कानो कुलभूषण के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम माया और मयूर कुलभूषण के रूप में हैं। इंस्पेक्टर छेदी लाल के रूप में जावेद जाफरी, जी एम हरि कुमार के रूप में अमित मिस्त्री है, जेमी लीवर लता के रूप में हैं, और दोस्तों भरवा सच्चा देवा जो दोस्तों उम्मे दच्ची वैद उर्फ उलट बाबा के रूप में दिखाई दिए हैं। फिल्म को दोस्तों समीक्षकों से मिले जुले सकारात्मक समीक्षाएं मिली। उन्होंने दोस्तों इसके कथानक कलाकारों विशेष रूप से सैफ अली खान और यामी गौतम के प्रदर्शन हास्य दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों फिल्म की तो बात की जाए तो इससे पाठक कथा की आलोचना बॉलीवुड पवन कृपलानी की कहानी स्त्री और रूही को एक झलक देती है। लेकिन दोस्तों अन्य दो फिल्मों के विपरीत यह फिल्म घोष्ट भ्रष्ट पर केंद्रित है। यह एक अनोखा स्पर्श देता है, और कोई मोई ने इसे सकारात्मक समीक्षा दी, 5 में से 3 सितारे रेटिंग दी और कहा कि इफ यू वे गाट इट हंट और सैफ अली खान भी वही करते हैं। जो दोस्तों फर्स्ट पोस्ट ने इसे 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी है। लिखा कि दोस्तों सैफ अली खान एक शानदार हर्रर कॉमेडी में जलवा बिखरते हैं, और फिल्मी बीट ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए, और लिखा कि यदि आप कुछ ठंडक महसूस करने की उम्मीद के साथ भोजपुरी में उतरते हैं और दोस्तों तो आप निराश हो सकते हैं। निश्चित रहें, और फिल्म सैफ अली खान की रोमांचक हरकतों से भरपूर इंडियन एक्सप्रेस ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि सैफ अली खान बहुत मजा कर रहे हैं। और दोस्तों सुनिश्चित करते हैं कि हम भी ऐसा करें, और NDTV ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि ब्रिजी केपर फिल्म में सैफ अली खान कॉमेडी के लिए अपना जलवा लेकर आएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि यह बचकानी हर्रा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की दोस्तों बात की जाए यह फिल्म की कथानक की ओर, तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक गांव में एक युवक लड़की पर भूत भगाने के लिए पहुंचने से होती है, जिसे दोस्तों उस पर उसके दिवंगत दादा का साया था। हालांकि दोस्तों विभूति को जल्द ही पता चलता है कि लड़की उस पर कब्जा करने का दिखावा कर रही थी, जिसे दोस्तों वह स्वीकार भी करती है, और पता चला उसे
के माता पिता उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे, जबकि दोस्तों वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और भाई उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। और दोस्तों यद्यपि चिरंसी अपने भाई द्वारा इस्तेमाल किए जाने और अवैध तरीकों के खिलाफ दोनों एक नकली भूत भगाने का काम करते हैं। बाद में दोस्तों भाई नए मामले को तलाश में एक तांत्रिक मेल में पहुंचते हैं, और जबकि वो पति एक ग्राहक के साथ व्यस्त होता है, तो दोस्तों चिरंजी अपने पिता की किताब को समझने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके साथ शिविर छोड़ देता है। हालांकि दोस्तों पुस्तक को प्रयुक्त लिपि एक प्राचीन भाषा है जिसे दोस्तों कोई पढ़ना नहीं जानता है। पराजित और थका हुआ चिरंजी अपने पिता से उसे एक संकेत दिखाने और उसकी मदद करने के लिए कहता है, जो चतुराई से किताब को पहाड़ी से नीचे लुढ़का देता है और माया नाम की एक लड़की के चरणों में रुक जाता है। जब दोस्तों चिरंजी उसे किताब लेता है तो वह गलती से उसे ढूंढ लेता है। प्राचीन पुस्तक को पढ़ने की कुंजी और अपने भाई को सूचित करने के लिए भाग जाता है। विपुल को पहले तो कोई दिलचस्पी नहीं होती है, और दोस्तों उसके बीच एक हास्यास्पद बहस होती है जब अचानक भूपति पुलिस इंस्पेक्टर छेदीलाल को उनकी तलाश करते हुए देखती है। तो दोस्तों फिर भी भूपति चिरंजी को सारा सामना पैक करने के लिए कहती है। और दोस्तों वैन वैन और भागती है और छेदीलाल का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि दोस्तों वह उसका छोटा भाई दोनों भाग सके। इसी बीच चिरंजी माया को उल्टा बाबा के भेष में एक अन्य बाबा गागल बाबा के साथ पता है, जो दोस्तों धोखेबाज होने के कारण परेशान और साथ ही निराश होकर वह माया को उनके असली उल्लत बाबा और बेंटो के बारे में सच्चाई बताता है। कुछ ही मिनटों में भूपति आती है और तीनों धर्मशाला के लिए निकल पड़ते हैं। माया उन्हें बताती है कि किसे 27 साल पहले उनके पिता कुख्यात उल्लाट बाबा ने धर्मशाला में उनके चाय बगान से चिंकड़ी नाम के एक असाधारण संस्था को भागने में उनके पिता की मदद की थी। अब वही किच्चकंडी वापस आ गई है और मजदूर रात होने के बाद कारखाने में काम करने से डर रहे हैं। और वैन गांव की पहुंचती है और माया की बहन कानिका को छोड़कर सभी लोगों को दोनों को गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जबकि दोस्तों चिरंजीव गांव के लोगों का साक्षात्कार लेता है जिसमें प्रत्येक के पास चिंकड़ी द्वारा प्रेतवादित होने के अलग अलग वितरण हैं। भूपति तितली नाम की एक छोटी लड़की का मनोरंजन करता है और माया उल्लत बाबा की एक तस्वीर देखती है और एक व्यक्ति को देखती है जो दोस्तों अभी भी आसपास है और संतो नाम का एक व्यक्ति है। भाई सेंटो से मिलने जाते हैं जो एक मठ में रहता है। सेंटो याद करता है कि कैसे 27 साल पहले उसकी पत्नी पर चिंकाडी ने कब्जा कर लिया था जिससे दोस्तों दो लोगों की मौत हो गई थी। सेंटो हमेशा के लिए अदा हो गया था। उल्लट बाबा आए और जंगल में भूत भगाने का काम किया था। चिंकड्डी की आत्मा को एक जार में एक हड्डी में फंसाया और एक जले हुए पेड़
में सुरक्षित कर दिया है। हालांकि दोस्तों सेंटो की पत्नी की मृत्यु हो गई और भाई जंगल में जाते हैं और वहीं जार ढूंढते हैं। विपत्तु और अलौकिक पर संदेह करता है, जार को तोड़ देता है और हड्डी को जंगल में छोड़ देता है। माया का कुत्ता शंख को मुंह में हड्डी लेकर माया के सैन कक्ष में आता है और परिमाणसक रूप माया वशीभूत हो जाती है और विभूति जो अभी भी संशय में है और पता है कि प्रबंधक चाय के ग्रामीणों को डराने के लिए असली भूत होने का नाटक कर रहा था, ताकि दोस्तों कानिका अपनी बहन को उनकी संपत्ति बेचने के लिए मना कर सके और विभूति पैसे के बदले में नकली भूत भगाने के लिए सहमत हो जाता है। नकली भूत भगाने के दौरान विभूति ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाने के लिए एक नाटकीय प्रसिद्ध परिदृश्य बनाने के लिए उनके जानकारी के बिना चियारू अनाजी के पेय में नशीला पदार्थ मिला था। चिरंजी को इस बात का पता चलता है और दोनों भाई झगड़ पड़ते हैं और अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। विभूति का सामना फिर से तितली से होता है और छेदी से दूर भागते समय उसे एहसास होता है कि तितली वास्तव में एक भूत और वह खुद भी भूतों पर विश्वास करने लगता है। किचकंडित जिसके पास अब माया है और चिरंजी पर हमला करता है और चिरंजी गलती से आत्मा को माया के शरीर से भूपति के शरीर में स्थानांतरित कर देता है, जबकि दोस्तों उसका इरादा इसे खुद में स्थानांतरित करने का था। चिरंजी अपने पिता के ज्ञान की मदद से देखता है और कि चिंकंडी वास्तव में तितली की माँ है और उन दोनों को जमीन के ब्रिटिश मालिकों ने मार डाला था। किंचकंडी को जिंदा जला दिया गया था, जबकि दोस्तों तितली को तब गोली मार दी गई थी जब वह अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। किंचकंडी अपनी बेटी की तलाश कर रही है और भाई और गिरोह के बाकी लोग तितली की किचकंडी को फिर से मिलने में मदद करते हैं और दोस्तों आत्माएं आकाश में उड़ जाती है। माया और कानिका ने अपने बहन के बंधक की पुष्टि की और स्क्रीनिंग काली हो जाती है। और दोस्तों गाना आई आई भूत पुलिस बजने लगता है, जो दोस्तों फिर हम छेदीलाल को एक अज्ञात व्यक्ति के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जो उसे पूछता है कि क्या भूत पुलिस वेयरवुल्फ्स और पिशाचों से जुड़े मामले को लेने के लिए तैयार है। छेदीलाल ने अगली कड़ी की इशारा करते हुए उसे पहले स्कॉटलैंड के लिए 3 बिजनेस क्लास टिकट बुक करने के लिए कहा था। फिल्म में सुपरस्टार बात की जाए तो दोस्तों सैफ अली खान, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फिल्म भूत पुलिस में अपने जबरदस्त भूमिका के साथ दोस्तों देखने को नजर आए हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड की मूवी में काम करते हैं, जो दोस्तों मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और पद्मावती परिवार का हिस्सा है। वह दोस्तों अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और क्रिकेटर मंसूर अली खान की पद्मावती बेटे हैं। खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की नजर डाली तो दोस्तों उन्होंने 1991 में खान ने खान को राहुल रवैया की रोमांटिक ड्रामा बेखुदी 1992 में नवोदित काजल के साथ मुख्य भूमिका के लिए लिया गया था, लेकिन दोस्तों फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल पूरा करने के बाद रवेल ने उनके प्रोफेशन माना और उनकी जगह कमल सत्तना को ले लिया गया था। फिल्म बेखुदी के दौरान खान की मुलाकात अभिनेत्री
अमृता सिंह से हुई, जिसने दोस्तों उन्होंने अक्टूबर 1991 में शादी की थी। सिंह ने उनकी बेटी सारा अली खान जो 1995 और उनके बेटे जन्म 2001 को जन्म दिया, जो 2004 में उन्होंने छोड़ जोड़ा अलग हो गया था। अभिनेत्री रवीना टंडन और सनी देओल के साथ माध्यम रूप से सफल इम्तिहान 1994 में उपस्थिति के बाद खान ने अगली दो रिलीज के लिए अक्षय कुमार के साथ जोड़ी बनाई थी। यह राज फिल्म्स को हिट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ये दिल लगी और एक्शन, और दोस्तों इसमें एक ड्राइवर की बेटी काजल द्वारा अभिनीति और उसके पिता के नियोक्ताओं के दो बेटे जो कुमार और खान द्वारा अभिनीत के बीच एक प्रेम त्रिकोण को दर्शाया गया था। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी खिलाड़ी श्रृंखला की पूरी दूसरी फिल्म है और खान को एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में दिखाया गया था, जो दोस्तों यह साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और फिल्म बनकर उभरी थी। बॉलीवुड हंगामा ने बताया कि दोनों फिल्म की सफलताएं खान के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई है और दोस्तों मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन दिलाया था। इंडियन एक्सप्रेस ने दोनों फिल्म में उनके अभिनय को प्रमुखता दी और बाद में उनकी कॉमिक टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब भी वह स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो दोस्तों दर्शक हंसते हंसते लोटपेट हो जाते हैं। खान की बॉस की अगली दो रिलीज नाटक यार गद्दार और आयो प्यार करे असफल रही थी। 1990 के दशक के दौरान उनके करियर में लगातार गिरावट देखी गई और सभी 9 फिल्मों में उनके अभिनय किया। सुरक्षा 1995, एक था राजा 1996, बम्बई का बाबू 1996, तू चोर मैं सिपाही 1996 और दिल तेरा दीवाना 1996, हमेशा 1997, उड़ान 1997 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों लगातार 4 वर्षों तक खराब प्रतिक्रिया पाने वाली फिल्मों के बाद उन्होंने 1991 में खान के कैरियर में संभावनाओं में सुधार होना शुरू हुआ था। वह दोस्तों 4 फिल्मों में दिखाई दिए और ये है मुंबई मेरी जान, कच्चे धागे, अर्जु और हम साथ साथ है रोमांटिक कॉमेडी, ये है मुंबई मेरी जान ट्विंकल खन्ना के साथ, और रोमांस अर्जु माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार के साथ। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कमाई की, लेकिन दोस्तों एक्शन थ्रिलर कच्चे धागे दो बिगड़े भाइयों की कहानी आतंकवादी साजिश का निशाना में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में बाद में खान की पहली भूमिका व्यावसायिक सफलता थी और मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित फिल्म आमतौर पर खूब सराहा गया था। लेकिन दोस्तों आलोचकों ने कहा कि सह अभिनेता अजय देवगन खान पर भारी पड़ेंगे। हालांकि दोस्तों इस फिल्म ने खान को कैरियर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नामांकन दिलाया था। खान ने बॉस की अपनी अंतिम रिलीज सूरज बारजात्या द्वारा निर्देशित पारिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है को मनोबल बढ़ाने वाले बताया था और फिल्म को कलाकारों की टोली मोहनीश बहल, तब्बू और सलमान खान, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर शामिल थी। और दोस्तों यह फिल्म दुनिया भर में 800 मिलियन यानी US$10 मिलियन से अधिक का कलेक्शन के साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। हम साथ साथ है फिल्म की फिल्मांकन के दौरान खान पर सह कलाकारों सलमान खान, तब्बू, नीलम कठोरी के साथ कंकनी में दो काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगाया गया था।
लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अर्जुन और अभिनेत्री की बात की जाए तो इस फिल्म में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस फिल्म भूत पुलिस में अपनी जबरदस्त भूमिका के साथ दोस्तों देखने को नजर आई है। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस यह एक श्रृंखलाई अभिनेत्री है जो दोस्तों मॉडल जो उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। फर्नांडिस का जन्म और पालन पोषण बहरेन में हुआ है। सिडनी विश्वविद्यालय में संचालक जनसंचार में स्नातक होने का श्रृंखला में एक टेलीविजन रिपोर्टर्स के रूप में काम करने के बाद वह मॉडलिंग उद्योग में शामिल हो गई है। 2006 में दोस्तों उन्होंने फिल्म यूनिवर्स श्रृंखला का ताज पहनाया गया था। उन्होंने मिस यूनिवर्स 2006 में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया गया था। 2009 में दोस्तों भारत में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान फर्नांडिस ने सुजाव घोष के फंतासी नाटक अलादीन के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था, जिससे दोस्तों उनके अभिनय की शुरुआत हुई और उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आईफा अवार्ड मिला था। फर्नांडिस को मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मर्डर 2 2011 में सफल भूमिका मिली, जो दोस्तों उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। इसके बाद दोस्तों व्यावसायिक रूप से सफल एनसेबल कॉमेडी हाउसफुल 2 2012 और एक्शन थ्रिलर रेस 2 2013 में ग्लैमरस भूमिका निभाई है, जिसमें दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन के लिए आईफा अवार्ड मिला था। फर्नांडिस ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक एक्शन फिल्म किक 2014 और विक्रांत रोना 2022 और कॉमेडी हाउसफुल 3 2016 और जुड़वा 2 2017 में अभिनय किया था। और दोस्तों अब अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस 2009 में फर्नांडिस ने मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत की यात्रा की। उन्होंने अपने अभिनय के पहली फिल्म सुजाया घोष की फंतासी फिल्म अल्लादीन 2009 के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था। उन्होंने दोस्तों रितेश देशमुख के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभाई। यह भूमिका राजकुमार जैस्मिन के चरित्र पर आधारित थी। और दोस्तों CNAIBN के राजीव मसंद ने महसूस किया कि वह आंखों पर आसान है और आत्मविश्वासी लगती है, लेकिन दोस्तों उसके पास करने के लिए बहुत कम काम है। हालांकि दोस्तों फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही थी। उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आईफा पुरस्कार जीता था। 2010 में दोस्तों फर्नांडिस साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी जाने कहां से आई थी, जो दोस्तों इसमें रितेश देशमुख के साथ दिखाई दिए थे। उन्होंने विनस की एक लड़की के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो दोस्तों प्यार की तलाश में पृथ्वी पर आती है और फर्नांडिस के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म को खराब समीक्षा को मिली है। महेश भट्ट की थ्रिलर मर्डर 2 फर्नांडिस की पहली व्यावसायिक सफलता थी, जो दोस्तों यह उनके कैरियर की एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। उन्होंने दोस्तों एक अकेली तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलो बात की जाए फिल्म पवन कृपल लानी की डायरेक्टर में बनी फिल्म भूत पुलिस है, जो कि दोस्तों इस फिल्म को रिलीज 10 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म 2021 में रिलीज हुई फिल्म है, जो दोस्तों इस फिल्म को 129 मिनट की रना टाइम के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था, जो हिंदी भाषा के साथ बनी। और दोस्तों मात्र यह फिल्म 40 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म है। फिल्म भूत पुलिस 2021 की बात है, हिंदी भाषा की बॉलीवुड हॉरर फिल्म है, जो दोस्तों पवन कृपलानी द्वारा निर्देशित और रमेश तवरानी और अक्षय पुरी द्वारा निर्मित है। फिल्म में दोस्तों सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम और जावेद जफरी है।
और दोस्तों इसका प्रीमियर 10 सितंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ था। फिल्म दोस्तों दो भाई विभूति और चिरंजी ओझा गुन्ना का अंधा लात चलाते हैं और दोस्तों यह साथ मिलकर पूरे देश में घूमते हैं। उल्टा बाबा एंड सन्स के नाम से मशहूर है। हालांकि दोस्तों अलौकिक प्राणियों और भूत प्रेत के बारे में कुछ नहीं जानते और केवल दोस्तों लोगों को अधिविश्वास पर ही दिखाते हैं। फिल्म में दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता सैफ अली खान फिल्म में विभूति विभू बैद के रूप में दिखाई दिए हैं और वहीं दोस्तों अर्जुन कपूर चिरंजीव चिंकू और बैद के रूप में अर्जुन अपना रोल निभाए हैं। कनिका कन्नू कुलभूषण के रूप में जैकलिन फर्नांडिस यामी गौतम माया और मयूर कुलभूषण के रूप में हैं। इंस्पेक्टर छेदी लाल के रूप में जावेद जाफरी जी एम हरी कुमार के रूप में अमित मिस्त्री है। जेमी लीवर लता के रूप में हैं और दोस्तों भरवा सच्चा देवा जो दोस्तों उम्मे दच्ची वैद उर्फ उल्टा उलट बाबा के रूप में दिखाई दिए हैं। फिल्म को दोस्तों समीक्षकों से मिले जुले सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने दोस्तों इसके कथानक कलाकारों विशेष रूप से सैफ अली खान और यामी गौतम के प्रदर्शन हास्य दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों फिल्म की तो बात की जाए तो इससे पाठक कथा की आलोचना बॉलीवुड पॉन कृपलानी की कहानी स्त्री और रूही को एक झलक देती है। लेकिन दोस्तों अन्य दो फिल्मों के विपरीत यह फिल्म घोष्ट भ्रष्ट पर केंद्रित है। यह एक अनोखा स्पर्श देता है और कोई मोई ने इसे सकारात्मक समीक्षा दी। 5 में से 3 सितारे रेटिंग दी और कहा कि इफ यू वे गाट इट हंट और सैफ अली खान भी वही करते हैं जो दोस्तों फर्स्ट पोस्ट ने इसे 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी है। लिखा कि दोस्तों सैफ अली खान एक शानदार हर्रर कॉमेडी में जलवा बिखरते हैं और फिल्मी बीट ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि यदि आप कुछ ठंडक महसूस करने की उम्मीद के साथ भूत पुलिस में उतरते हैं और दोस्तों तो आप निराश हो सकते हैं। निश्चिंत रहें और फिल्म सैफ अली खान की रोमांचक हरकतों से भरपूर इंडियन एक्सप्रेस ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि सैफ अली खान बहुत मजा कर रहे हैं। और दोस्तों सुनिश्चित करते हैं कि हम भी ऐसा करें और एनडीटीवी ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि ब्रिजी केपर फिल्म में सैफ अली खान कॉमेडी के लिए अपना जलवा लेकर आएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि यह बचकानी हर्रा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की दोस्तों बात की जाए यह फिल्म की कथानक की ओर तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक गांव में एक युवक लड़की पर भूत भगाने के लिए पहुंचने से होती है जिसे दोस्तों उस पर उसके दिवंगत दादा का साया था। हालांकि दोस्तों विभूति को जल्द ही पता चलता है कि लड़की उस पर कब्जा करने का दिखावा कर रही थी जिसे दोस्तों वह स्वीकार भी करती है और पता चला उसे के माता पिता उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे जबकि दोस्तों वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और भाई उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। और दोस्तों यद्यपि चिरंजी अपने भाई द्वारा इस्तेमाल किए जाने और अवैध तरीकों के खिलाफ दोनों एक नकली भूत भगाने का काम करते हैं। बाद में दोस्तों भाई नए मामले को तलाश में एक तांत्रिक मेल में पहुंचते हैं और जबकि वो पति एक ग्राहक के साथ व्यस्त होता है
तो दोस्तों चिरंजीवी अपने पिता की किताब को समझने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके साथ शिविर छोड़ देता है। हालांकि दोस्तों पुस्तक को प्रयुक्त लिपि एक प्राचीन भाषा है जिसे दोस्तों कोई पढ़ना नहीं जानता है। पराजित और थका हुआ चिरंजीव अपने पिता से उसे एक संकेत दिखाने और उसकी मदद करने के लिए कहता है। जो चतुराई से किताब को पहाड़ी से नीचे लुढ़का देता है और माया नाम की एक लड़की के चरणों में रुक जाता है। जब दोस्तों चिरंजीव उसे किताब लेता है तो वह गलती से उसे ढूंढ लेता है। प्राचीन पुस्तक को पढ़ने की कुंजी और अपने भाई को सूचित करने के लिए भाग जाता है। विपुल को पहले तो कोई दिलचस्पी नहीं होती है और दोस्तों उसके बीच एक हास्यास्पद बहस होती है जब अचानक भूपति पुलिस इंस्पेक्टर छेदीलाल को उनकी तलाश करते हुए देखती है। तो दोस्तों फिर भी भूपति चिरंजी को सारा सामना पैक करने के लिए कहती है। और दोस्तों वैन वैन और भागती है और छेदीलाल का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि दोस्तों वह उसका छोटा भाई दोनों भाग सके। इसी बीच चिरंजी माया को उल्टा बाबा के भेष में एक अन्य बाबा गागल बाबा के साथ पता है जो दोस्तों धोखेबाज होने के कारण परेशान और साथ ही निराश होकर वह माया को उनके असली उल्लत बाबा और बेंटो के बारे में सच्चाई बताता है। कुछ ही मिनटों में भूपति आती है और तीनों धर्मशाला के लिए निकल पड़ते हैं। माया उन्हें बताती है कि किसे 27 साल पहले उनके पिता कुख्यात उल्लाट बाबा ने धर्मशाला में उनके चाय बगान से चिंकड़ी नाम के एक असाधारण संस्था को भागने में उनके पिता की मदद की थी। अब वही किचकंडी वापस आ गई है और मजदूर रात होने के बाद कारखाने में काम करने से डर रहे हैं। और वैन गांव की पहुंचती है और माया की बहन कानिका को छोड़कर सभी लोगों को दोनों को गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जबकि दोस्तों चिरंजीव गांव के लोगों का साक्षात्कार लेता है जिसमें प्रत्येक के पास चिंकड़ी द्वारा प्रेतवाधित होने के अलग अलग वितरण हैं। भूपति तितली नाम की एक छोटी लड़की का मनोरंजन करता है और माया उल्लत बाबा की एक तस्वीर देखती है और एक व्यक्ति को देखती है जो दोस्तों अभी भी आसपास है और संतो नाम का एक व्यक्ति है। भाई सेंटो से मिलने जाते हैं जो एक मठ में रहता है। सेंटो याद करता है कि कैसे 27 साल पहले उसकी पत्नी पर चिंकाडी ने कब्जा कर लिया था जिससे दोस्तों दो लोगों की मौत हो गई थी। सेंटो हमेशा के लिए आधा हो गया था। उल्लट बाबा आए और जंगल में भूत भगाने का काम किया था। चिंकड़ी की आत्मा को एक जार में एक हड्डी में फंसाया और एक जले हुए पेड़ में सुरक्षित कर दिया है। हालांकि दोस्तों सेंटो की पत्नी की मृत्यु हो गई और भाई जंगल में जाते हैं और वहीं जार ढूंढते हैं। विपत्तु और अलौकिक पर संदेह करता है, जार को तोड़ देता है और हड्डी को जंगल में छोड़ देता है। माया का कुत्ता शंख को मुंह में हड्डी लेकर माया के शयन कक्ष में आता है और परिणाम स्वरूप माया वशीभूत हो जाती है और विभूति जो अभी भी
संशय में है और पता है कि प्रबंधक चाय के ग्रामीणों को डराने के लिए असली भूत होने का नाटक कर रहा था, ताकि दोस्तों कानिका अपनी बहन को उनकी संपत्ति बेचने के लिए मना कर सके और विभूति पैसे के बदले में नकली भूत भगाने के लिए सहमत हो जाता है। नकली भूत भगाने के दौरान विभूति ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाने के लिए एक नाटक के प्रसिद्ध परिदृश्य बनाने के लिए उनके जानकारी के बिना चारू अनाजी के पे में नशीला पदार्थ मिला था। चिरंजी को इस बात का पता चलता है और दोनों भाई झगड़ पड़ते हैं और अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। विभूति का सामना फिर से तितली से होता है और छेदी से दूर भागते समय उसे एहसास होता है कि तितली वास्तव में एक भूत और वह खुद भी भूतों पर विश्वास करने लगता है। किचकंडित जिसके पास अब माया है और चिरंजी पर हमला करता है और चिरंजी गलती से आत्मा को माया के शरीर से भूपति के शरीर में स्थानांतरित कर देता है, जबकि दोस्तों उसका इरादा इसे खुद में स्थानांतरित करने का था। चिरंजी अपने पिता के ज्ञान की मदद से देखता है और कि चिंकंडी वास्तव में तितली की माँ है और उन दोनों को जमीन के ब्रिटिश मालिकों ने मार डाला था। किंचकंडी को जिंदा जला दिया गया था, जबकि दोस्तों तितली को तब गोली मार दी गई थी जब वह अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। किंचकंडी अपनी बेटी की तलाश कर रही है और भाई और गिरोह के बाकी लोग तितली की किचकंडी को फिर से मिलने में मदद करते हैं और दोस्तों आत्माएं आकाश में उड़ जाती है। माया और कानिका ने अपने बहन के बंधक की पुष्टि की और स्क्रीनिंग काली हो जाती है। और दोस्तों गाना आई आई भूत पुलिस बजने लगता है, जो दोस्तों फिर हम छेदीलाल को एक अज्ञात व्यक्ति के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जो उसे पूछता है कि क्या भूत पुलिस वेयरवुल्स और पिशाचों से जुड़े मामले को लेने के लिए तैयार है। छेदीलाल ने अगली कड़ी की इशारा करते हुए उसे पहले स्कॉटलैंड के लिए 3 बिजनेस क्लास टिकट बुक करने के लिए कहा था। फिल्म में सुपरस्टार बात की जाए तो दोस्तों सैफ अली खान, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है, जो दोस्तों फिल्म भूत पुलिस में अपने जबरदस्त भूमिका के साथ दोस्तों देखने को नजर आए हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड की मूवी में काम करते हैं, जो दोस्तों मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और पद्मावती परिवार का हिस्सा है। वह दोस्तों अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और क्रिकेटर मंसूर अली खान की पद्मावती बेटे हैं। खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की नजर डाली तो दोस्तों उन्होंने 1991 में खान को राहुल रवैया की रोमांटिक ड्रामा बेखुदी, 1992 में नवोदित काजल के साथ मुख्य भूमिका के लिए लिया गया था। लेकिन दोस्तों फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल पूरा करने के बाद रवैल ने उनके प्रोफेशन माना और उनकी जगह कमल सदना को ले लिया गया था। फिल्म बेखुदी के दौरान खान की मुलाकात अभिनेत्री अमृता सिंह से हुई, जिसने दोस्तों उन्होंने अक्टूबर 1991 में शादी की थी। सिंह ने उनकी बेटी सारा अली खान, जो 1995 और उनके बेटे जन्म 2001 को जन्म दिया, जो 2004 में उन्होंने जोड़ा अलग हो गया था। अभिनेत्री रवीना टंडन और सनी देओल के साथ मध्यम रूप से सफल इम्तिहान 1994 में उपस्थिति के बाद खान ने अगली दो रिलीज के लिए कुमार
अक्षय कुमार के साथ जोड़ी बनाई थी। यह राज फिल्म्स को हिट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ये दिल लगी और एक्शन। और दोस्तों इसमें एक ड्राइवर की बेटी काजल द्वारा अभिनीति और उसके पिता के नियोक्ताओं के दो बेटे जो कुमार और खान द्वारा अभिनीत के बीच एक प्रेम त्रिकोण को दर्शाया गया था। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी खिलाड़ी श्रृंखला की पूरी दूसरी फिल्म है और खान को एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में दिखाया गया था, जो दोस्तों यह साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और फिल्म बनकर उभरी थी। बॉलीवुड हंगामा ने बताया कि दोनों फिल्म की सफलताएं खान के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई है और दोस्तों मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन दिलाया था। इंडियन एक्सप्रेस ने दोनों फिल्म में उनके अभिनय को प्रमुखता दी और बाद में उनकी कॉमिक टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब भी वह स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो दोस्तों दर्शक हंसते हंसते लोटपेट हो जाते हैं। खान की बॉस की अगली दो रिलीज नाटक यार गद्दार और आयो प्यार करे असफल रही थी। 1990 के दशक के दौरान उनके करियर में लगातार गिरावट देखी गई और सभी 9 फिल्मों में उनके अभिनय किया। सुरक्षा 1995, एक था राजा 1996, बम्बई का बाबू 1996, तू चोर मैं सिपाही 1996 और दिल तेरा दीवाना 1996, हमेशा 1997, उड़ान 1997 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों लगातार 4 वर्षों तक खराब प्रतिक्रिया पाने वाली फिल्मों के बाद उन्होंने 1991 में खान के कैरियर में संभावनाओं में सुधार होना शुरू हुआ था। वह दोस्तों 4 फिल्मों में दिखाई दिए और ये है मुंबई मेरी जान, कच्चे धागे, अर्जु और हम साथ साथ है रोमांटिक कॉमेडी, ये है मुंबई मेरी जान ट्विंकल खन्ना के साथ, और रोमांस अर्जु माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार के साथ। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कमाई की, लेकिन दोस्तों एक्शन थ्रिलर कच्चे धागे दो बिगड़े भाइयों की कहानी आतंकवादी साजिश का निशाना में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में बाद में खान की पहली भूमिका व्यावसायिक सफलता थी और मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित फिल्म आमतौर पर खूब सराहा गया था। लेकिन दोस्तों आलोचकों ने कहा कि सह अभिनेता अजय देवगन खान पर भारी पड़ेंगे। हालांकि दोस्तों इस फिल्म ने खान को कैरियर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नामांकन दिलाया था। खान ने वर्ष की अपनी अंतिम रिलीज सूरज बारजात द्वारा निर्देशित पारिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है को मनोबल बढ़ाने वाले बताया था और फिल्म को कलाकारों की टोली मोहनीश बहल, तब्बू और सलमान खान, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर शामिल थी। और दोस्तों यह फिल्म दुनिया भर में 800 मिलियन यानी US$10 मिलियन से अधिक का कलेक्शन के साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। हम साथ साथ है फिल्म की फिल्मांकन के दौरान खान पर सह कलाकारों सलमान खान, तब्बू, नीलम कठोरी के साथ कंकनी में दो काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अर्जुन और अभिनेत्री की बात की जाए तो इस फिल्म में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस फिल्म भूत पुलिस में अपनी जबरदस्त भूमिका के साथ दोस्तों देखने को नजर आई है। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस यह एक श्रृंखलाई अभिनेत्री है जो दोस्तों मॉडल जो उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। फर्नांडिस का जन्म और पालन पोषण बहरेन में हुआ है। सिडनी विश्वविद्यालय में संचालक
जन संचार में स्नातक होने का श्रृंखला में एक टेलीविजन रिपोर्टर्स के रूप में काम करने के बाद वह मॉडलिंग उद्योग में शामिल हो गई है। 2006 में दोस्तों उन्होंने फिल्म यूनिवर्स श्रृंखला का ताज पहनाया गया था। उन्होंने मिस यूनिवर्स 2006 में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया गया था। 2009 में दोस्तों भारत में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान फर्नांडिस ने सुझाव घोष के फंतासी नाटक अलादीन के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था, जिससे दोस्तों उनके अभिनय की शुरुआत हुई और उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आईफा अवार्ड मिला था। फर्नांडिस को मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मर्डर 2 2011 में सफल भूमिका मिली, जो दोस्तों उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। इसके बाद दोस्तों व्यावसायिक रूप से सफल एंसेबल कॉमेडी हाउसफुल 2 2012 और एक्शन थ्रिलर रेस 2 2013 में ग्लैमरस भूमिका निभाई है, जिसमें दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन के लिए आईफा अवार्ड मिला था। फर्नांडिस ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक एक्शन फिल्म किक 2014 और विक्रांत रोना 2022 और कॉमेडी हाउसफुल 3 2016 और जुडवा 2 2017 में अभिनय किया था। और दोस्तों अब अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस, 2009 में फर्नांडिस ने मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत की यात्रा की। उन्होंने अपने अभिनय के पहली फिल्म सुजाया घोष की फंतासी फिल्म अलादीन 2009 के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था। उन्होंने दोस्तों रितेश देशमुख के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभाई। यह भूमिका राजकुमार जैस्मिन के चरित्र पर आधारित थी। और दोस्तों CNAIBN के राजीव मसंद ने महसूस किया कि वह आंखों पर आसान है और आत्मविश्वासी लगती है, लेकिन दोस्तों उसके पास करने के लिए बहुत कम काम है। हालांकि दोस्तों फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही थी। उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आईफा पुरस्कार जीता था। 2010 में दोस्तों फर्नांडिस असाई फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी जाने कहां से आई थी, जो दोस्तों इसमें रितेश देशमुख के साथ दिखाई दिए थे। उन्होंने विनस की एक लड़की के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो दोस्तों प्यार की तलाश में पृथ्वी पर आती है और फर्नांडिस के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म को खराब समीक्षा को मिली है। महेश भट्ट की थ्रिलर मर्डर 2 फर्नांडिस की पहली व्यावसायिक सफलता थी, जो दोस्तों यह उनके कैरियर की एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। उन्होंने दोस्तों एक अकेली हैं। साथ ही साथ दोस्तों क्या आप फिल्म भोजपुरी मूवी को दोस्तों हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पर देखना बेहद पसंद करते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलो बात की जाए फिल्म पवन कृपल लानी की डायरेक्टर में बनी फिल्म भोजपुरी है, जो कि दोस्तों इस फिल्म को रिलीज 10 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म 2021 में रिलीज हुई फिल्म है, जो दोस्तों इस फिल्म को 129 मिनट के रना टाइम के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था, जो हिंदी भाषा के साथ बनी। और दोस्तों मात्र यह फिल्म 40 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म है। फिल्म भोजपुरी 2021 की बात है, हिंदी भाषा की बॉलीवुड हॉरर फिल्म है, जो दोस्तों पवन कृपलानी द्वारा निर्देशित और रमेश दौरानी और अक्षय पुरी द्वारा निर्मित है। फिल्म में दोस्तों सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम और जावेद जफरी है। और दोस्तों इसका प्रीमियर 10 सितंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ था। फिल्म दोस्तों दो भाई विभूति और चिरंजी ओझा गुन्ना का अंधा लात चलाते हैं और दोस्तों यह साथ मिलकर पूरे देश में घूमते हैं। उल्टा बाबा एंड सन्स के नाम से मशहूर है। हालांकि दोस्तों अलौकिक प्राणियों और भूत प्रेत की बारे में कुछ नहीं जानते
और केवल दोस्तों लोगों को अधिक अधिविश्वास पर ही दिखाते हैं। फिल्म में दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता सैफ अली खान फिल्म में विभू बैद के रूप में दिखाई दिए हैं, और वही दोस्तों अर्जुन कपूर चिरंजीव चिंकू और बैद के रूप में अर्जुन अपना रोल निभाए हैं। कनिका कानो कुलभूषण के रूप में जैकलिन फर्नांडिस यामी गौतम माया और मयूर कुलभूषण के रूप में हैं। इंस्पेक्टर छेदी लाल के रूप में जावेद जाफरी, जी एम हरी कुमार के रूप में अमित मिस्त्री है, जेमी लीवर लता के रूप में हैं, और दोस्तों भरवा सच्चा देवा जो दोस्तों उम्मे दज्जी वैद उर्फ उल्टा उलट बाबा के रूप में दिखाई दिए हैं। फिल्म को दोस्तों समीक्षकों से मिले जुले सकारात्मक समीक्षाएं मिली। उन्होंने दोस्तों इसके कथानक कलाकारों विशेष रूप से सैफ अली खान और यामी गौतम के प्रदर्शन हास्य दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों फिल्म की तो बात की जाए तो इससे पाठक कथा की आलोचना बॉलीवुड पॉन कर प्लानी की सब कहानी स्त्री और रूही को एक झलक देती है। लेकिन दोस्तों अन्य दो फिल्मों के विपरीत यह फिल्म घोष्ट भ्रष्ट पर केंद्रित है। यह एक अनोखा स्पर्श देता है और कोई मोई ने इसे सकारात्मक समीक्षा दी, 5 में से 3 सितारे रेटिंग दी और कहा कि इफ यू वे गॉट इट हंट और सैफ अली खान भी वही करते हैं जो दोस्तों फर्स्ट पोस्ट ने इसे 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी है। लिखा कि दोस्तों सैफ अली खान एक शानदार हर्रा कॉमेडी में जलवा बिखरते हैं और फिल्मी बीट ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए, और लिखा कि यदि आप कुछ ठंडक महसूस करने की उम्मीद के साथ भूतपुलिस में उतरते हैं और दोस्तों तो आप निराश हो सकते हैं, निश्चित रहें। और फिल्म सैफ अली खान की रोमांचक हरकतों से भरपूर इंडियन एक्सप्रेस ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि सैफ अली खान बहुत मजा कर रहे हैं। और दोस्तों सुनिश्चित करते हैं कि हम भी ऐसा करें, और एनडीटीवी ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि ब्रिजी कैपर फिल्म में सैफ अली खान कॉमेडी के लिए अपना जलवा लेकर आएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि यह बचकानी हर्रा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की दोस्तों बात की जाए यह फिल्म की कथानक की ओर, तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक गांव में एक युवक लड़की पर भूत भगाने के लिए पहुंचने से होती है, जिसे दोस्तों उस पर उसके दिवंगत दादा का साया था। हालांकि दोस्तों विभूति को जल्द ही पता चलता है कि लड़की उस पर कब्जा करने का दिखावा कर रही थी, जिसे दोस्तों वह स्वीकार भी करती है, और पता चला उसे के माता पिता उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे, जबकि दोस्तों वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और भाई उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। और दोस्तों यह यद्यपि चिरंजी अपने भाई द्वारा इस्तेमाल किए जाने और अवैध तरीकों के खिलाफ दोनों एक नकली भूत भगाने का काम करते हैं। बाद में दोस्तों भाई नए मामले को तलाश में एक तांत्रिक मेल में पहुंचते हैं, और जबकि वो पति एक ग्राहक के साथ व्यस्त होता है, तो दोस्तों चिरंजीवी अपने पिता की किताब को समझने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके साथ शिविर छोड़ देता है। हालांकि दोस्तों पुस्तक को प्रयुक्त लिपि एक प्राचीन भाषा है जिसे दोस्तों कोई पढ़ना नहीं जानता है। पराजित और थका हुआ चिरंजी अपने पिता से उसे एक संकेत दिखाने और उसकी मदद करने के लिए कहता है,
जो चतुराई से किताब को पहाड़ी से नीचे लुढ़का देता है और माया नाम की एक लड़की के चरणों में रुक जाता है। जब दोस्तों चिरंजी उसे किताब लेता है तो वह गलती से उसे ढूंढ लेता है। प्राचीन पुस्तक को पढ़ने की कुंजी और अपनी पढ़ाई को सूचित करने के लिए भाग जाता है। विपुल को पहले तो कोई दिलचस्पी नहीं होती है और दोस्तों उसके बीच एक हास्यास्पद बहस होती है जब अचानक भूपति पुलिस इंस्पेक्टर छेदीलाल को उनकी तलाश करते हुए देखती है। तो दोस्तों फिर भी भूपति चिरंजी को सारा सामान पैक करने के लिए कहती है। और दोस्तों वैन वैन और भागती है और छेदीलाल का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि दोस्तों वह उसका छोटा भाई दोनों भाग सके। इसी बीच चिरंजी माया को उल्टा बाबा के भेष में एक अन्य बाबा गागल बाबा के साथ पता है जो दोस्तों धोखेबाज होने के कारण परेशान और साथ ही निराश होकर वह माया को उनके असली उल्लत बाबा और बेंटो के बारे में सच्चाई बताता है। कुछ ही मिनटों में भूपति आती है और तीनों धर्मशाला के लिए निकल पड़ते हैं। माया उन्हें बताती है कि किसे 27 साल पहले उनके पिता कुख्यात उल्लाट बाबा ने धर्मशाला में उनके चाय बगान से चिंकड़ी नाम के एक असाधारण संस्था को भागने में उनके पिता की मदद की थी। अब वही किच्चकंडी वापस आ गई है और मजदूर रात होने के बाद कारखाने में काम करने से डर रहे हैं। और वैन गांव की पहुंचती है और माया की बहन कानिका को छोड़कर सभी लोगों को दोनों को गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जबकि दोस्तों चिरंजीव गांव के लोगों का साक्षात्कार लेता है जिसमें प्रत्येक के पास चिंकड़ी द्वारा प्रेतवाधित होने के अलग अलग वितरण हैं। भूपति तितली नाम की एक छोटी लड़की का मनोरंजन करता है और माया उल्लत बाबा की एक तस्वीर देखती है और एक व्यक्ति को देखती है जो दोस्तों अभी भी आसपास है और संतो नाम का एक व्यक्ति है। भाई सेंटो से मिलने जाते हैं जो एक मठ में रहता है। सेंटो याद करता है कि कैसे 27 साल पहले उसकी पत्नी पर चिंक काडी ने कब्जा कर लिया था जिससे दोस्तों दो लोगों की मौत हो गई थी। सेंटो हमेशा के लिए आधा हो गया था। उल्लट बाबा आए और जंगल में भूत भगाने का काम किया था। चिंक कड्डी की आत्मा को एक जार में एक हड्डी में फंसाया और एक जले हुए पेड़ में सुरक्षित कर दिया है। हालांकि दोस्तों सेंटो की पत्नी की मृत्यु हो गई और भाई जंगल में जाते हैं और वहीं जार ढूंढते हैं। विपत्तु और अलौकिक पर संदेह करता है, जार को तोड़ देता है और हड्डी को जंगल में छोड़ देता है। माया का कुत्ता शंको मुंह में हड्डी लेकर माया के सैन कक्ष में आता है और परिणामस्वरूप रूप माया वशीभूत हो जाती है और विभूति जो अभी भी संशय में है और पता है कि प्रबंधक चाय के ग्रामीणों को डराने के लिए असली भूत होने का नाटक कर रहा था ताकि दोस्तों कानिका अपनी बहन को उनकी संपत्ति बेचने के लिए मना कर सके। और विभूति पैसे के बदले में नकली भूत भगाने के लिए सहमत हो जाता है। नकली भूत भगाने के दौरान विभूति ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाने के लिए एक नाटक के प्रसिद्ध
परिदृश्य बनाने के लिए उनके जानकारी के बिना चारों अनाजी के पेय में नशीला पदार्थ मिला था। चिरंजी को इस बात का पता चलता है और दोनों भाई झगड़ पड़ते हैं और अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। विभूति का सामना फिर से तितली से होता है और छेदी से दूर भागते समय उसे एहसास होता है कि तितली वास्तव में एक भूत और वह खुद भी भूतों पर विश्वास करने लगता है। किचकंडित जिसके पास अब माया है और चिरंजी पर हमला करता है और चिरंजी गलती से आत्मा को माया के शरीर से भूपति के शरीर में स्थानांतरित कर देता है, जबकि दोस्तों उसका इरादा इसे खुद में स्थानांतरित करने का था। चिरंजी अपने पिता के ज्ञान की मदद से देखता है और कि चिंकड्डी वास्तव में तितली की माँ है और उन दोनों को जमीन के ब्रिटिश मालिकों ने मार डाला था। किंचकड्डी को जिंदा जला दिया गया था, जबकि दोस्तों तितली को तब गोली मार दी गई थी जब वह अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। किंचकड्डी अपनी बेटी की तलाश कर रही है और भाई और गिरोह के बाकी लोग तितली की किचकंडी को फिर से मिलने में मदद करते हैं और दोस्तों आत्माएं आकाश में उड़ जाती है। माया और कानिका ने अपने बहन के बंधक की पुष्टि की और स्क्रीनिंग काली हो जाती है और दोस्तों गाना आई आई भूत पुलिस बजने लगता है, जो दोस्तों फिर हम छेदीलाल को एक अज्ञात व्यक्ति के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जो उसे पूछता है कि क्या भूत पुलिस वेयरवुल्फ्स और पिशाचों से जुड़े मामले को लेने के लिए तैयार है। छेदीलाल ने अगली कड़ी की इशारा करते हुए उसे पहले स्कॉटलैंड के लिए 3 बिजनेस क्लास टिकट बुक करने के लिए कहा था। फिल्म में सुपरस्टार बात की जाए तो दोस्तों सैफ अली खान, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है, जो दोस्तों फिल्म भूत पुलिस में अपने जबरदस्त भूमिका के साथ दोस्तों देखने को नजर आए हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड की मूवी में काम करते हैं, जो दोस्तों मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और पद्मावती परिवार का हिस्सा है। वह दोस्तों अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और क्रिकेटर मंसूर अली खान की पद्मावती बेटे हैं। खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और नजर डाली तो दोस्तों उन्होंने 1991 में खान को राहुल रवैया की रोमांटिक ड्रामा बेखुदी 1992 में नवोदित काजल के साथ मुख्य भूमिका के लिए लिया गया था, लेकिन दोस्तों फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल पूरा करने के बाद रवैल ने उनके प्रोफेशन माना और उनकी जगह कमल सत्तना को ले लिया गया था। फिल्म बेखुदी के दौरान खान की मुलाकात अभिनेत्री अमृता सिंह से हुई, जिसने दोस्तों उन्होंने अक्टूबर 1991 में शादी की थी। सिंह ने उनकी बेटी सारा अली खान जो 1995 और उनके बेटे जन्म 2001 को जन्म दिया, जो 2004 में उन्होंने जोड़ा अलग हो गया था। अभिनेत्री रवीना टंडन और सनी देओल के साथ माध्यम रूप से सफल इम्तिहान 1994 में उपस्थिति के बाद खान ने अगली 2 रिलीज के लिए अक्षय कुमार के साथ जोड़ी बनाई थी। यह राज फिल्म्स को हिट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ये दिल लगी और एक्शन और दोस्तों इसमें एक ड्राइवर की बेटी काजल द्वारा अभिनीति और उसके पिता के नियोक्ताओं के 2 बेटे जो कुमार और खान द्वारा अभिनीत के बीच एक प्रेम त्रिकोण को दर्शाया गया था। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी खिलाड़ी श्रृंखला की पूरी दूसरी
फिल्म है और खान को एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में दिखाया गया था। जो दोस्तों यह साल की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और फिल्म बनकर उभरी थी। बॉलीवुड हंगामा ने बताया कि दोनों फिल्म की सफलताएं खान के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई है और दोस्तों मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन दिलाया था। इंडियन एक्सप्रेस ने दोनों फिल्म में उनके अभिनय को प्रमुखता दी और बाद में उनकी कॉमिक टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब भी वह स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो दोस्तों दर्शक हंसते हंसते लोटपेट हो जाते हैं। खान की बॉस की अगली दो रिलीज नाटक यार गद्दार और आयो प्यार करे असफल रही थी। 1990 के दशक के दौरान उनके करियर में लगातार गिरावट देखी गई और सभी 9 फिल्मों में उनके अभिनय किया। सुरक्षा 1995, एक था राजा 1996, बम्बई का बाबू 1996, तू चोर मैं सिपाही 1996 और दिल तेरा दीवाना 1996, हमेशा 1997, उड़ान 1997 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों लगातार 4 वर्षों तक खराब प्रतिक्रिया पाने वाली फिल्मों के बाद उन्होंने 1991 में खान के कैरियर में संभावनाओं में सुधार होना शुरू हुआ था। वह दोस्तों 4 फिल्मों में दिखाई दिए और ये है मुंबई, मेरी जान, कच्चे धागे, अर्जू और हम साथ साथ है रोमांटिक कॉमेडी। ये है मुंबई, मेरी जान ट्विंकल खन्ना के साथ और रोमांस अर्थु माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार के साथ। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कमाई की लेकिन दोस्तों एक्शन थ्रिलर कच्चे धागे 2 बिगड़े भाइयों की कहानी आतंकवादी साजिश का निशाना में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में बाद में खान की पहली भूमिका व्यावसायिक सफलता थी और मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित फिल्म आमतौर पर खूब सराहा गया था। लेकिन दोस्तों आलोचकों ने कहा कि सह अभिनेता अजय देवगन खान पर भारी पड़ेंगे। हालांकि दोस्तों इस फिल्म ने खान को कैरियर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नामांकन दिलाया था। खान ने वर्ष की अपनी अंतिम रिलीज सूरज बारजात्या द्वारा निर्देशित पारिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है को मनोबल बढ़ाने वाले बताया था और फिल्म को कलाकारों की टोली मोहनीश बहल, तब्बू और सलमान खान, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर शामिल थी। और दोस्तों यह फिल्म दुनिया भर में 800 मिलियन यानी US$10 मिलियन से अधिक का कलेक्शन के साथ साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। हम साथ साथ है फिल्म की फिल्मांकन के दौरान खान पर सह कलाकारों सलमान खान, तब्बू, नीलम कठोरी के साथ कंकनी में 2 काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अर्जुन और अभिनेत्री की बात की जाए तो इस फिल्म में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस फिल्म भूत पुलिस में अपनी जबरदस्त भूमिका के साथ दोस्तों देखने को नजर आई है। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस यह एक श्रृंखलाई अभिनेत्री है जो दोस्तों मॉडल जो उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। फर्नांडिस का जन्म और पालन पोषण बहरेन में हुआ है। सिडनी विश्वविद्यालय में संचालक जनसंचार में स्नातक होने का श्रृंखला में एक टेलीविजन रिपोर्टर्स के रूप में काम करने के बाद वह मॉडलिंग उद्योग में शामिल हो गई है। 2006 में दोस्तों उन्होंने फिल्म यूनिवर्स श्रृंखला का ताज पहनाया गया था। उन्होंने मिस यूनिवर्स 2006 में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया गया था। 2009 में दोस्तों भारत में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान फर्नांडिस ने सुझाव घोष
के फंतासी नाटक अलादीन के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था, जिससे दोस्तों उनके अभिनय की शुरुआत हुई और उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आईफा अवार्ड मिला था। फर्नांडिस को मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मर्डर 2 2011 में सफल भूमिका मिली, जो दोस्तों उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। इसके बाद दोस्तों व्यावसायिक रूप से सफल एंसेबल कॉमेडी हाउसफुल 2 2012 और एक्शन थ्रिलर रेस्ट 2 2013 में ग्लैमरस भूमिका निभाई है, जिसमें दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन के लिए आईफा अवार्ड मिला था। फर्नांडिस ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक एक्शन फिल्म किक 2014 और विक्रांत रोना 2022 और कॉमेडी हाउसफुल 3 2016 और जुडवा 2 2017 में अभिनय किया था। और दोस्तों अब अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस, 2009 में फर्नांडिस ने मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत की यात्रा की। उन्होंने अपने अभिनय के पहली फिल्म सुजाया घोष की फंतासी फिल्म अलादीन 2009 के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था। उन्होंने दोस्तों रितेश देशमुख के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभाई। यह भूमिका राजकुमार जैस्मिन के चरित्र पर आधारित थी। और दोस्तों CNAIBN के राजीव मसंद ने महसूस किया कि वह आंखों पर आसान है और आत्मविश्वासी लगती है, लेकिन दोस्तों उसके पास करने के लिए बहुत कम काम है। हालांकि दोस्तों फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही थी। उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आईफा पुरस्कार जीता था। 2010 में दोस्तों फर्नांडिस साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी जाने कहां से आई थी, जो दोस्तों इसमें रितेश देशमुख के साथ दिखाई दिए थे। उन्होंने विनस की एक लड़की के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो दोस्तों प्यार की तलाश में पृथ्वी पर आती है और फर्नांडिस के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म को खराब समीक्षा को मिली है। महेश भट्ट की थ्रिलर मर्डर 2 फर्नांडिस की पहली व्यावसायिक सफलता थी, जो दोस्तों यह उनके कैरियर की एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। उन्होंने दोस्तों एक अकेली बहुत पुलिस मूवी को दोस्तों हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पर देखना बेहद पसंद करते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलो बात की जाए फिल्म पवन कृपल लानी की डायरेक्टर में बनी फिल्म भूत पुलिस है, जो कि दोस्तों इस फिल्म को रिलीज 10 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म 2021 में रिलीज हुई फिल्म है, जो दोस्तों इस फिल्म को 129 मिनट की रना टाइम के साथ इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था, जो हिंदी भाषा के साथ बनी। और दोस्तों मात्र यह फिल्म 40 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म है। फिल्म भूत पुलिस 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की बॉलीवुड हॉरर फिल्म है, जो दोस्तों पवन कृपलानी द्वारा निर्देशित और रमेश तवरानी और अक्षय पुरी द्वारा निर्मित है। फिल्म में दोस्तों सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम और जावेद जफरी है। और दोस्तों इसका प्रीमियर 10 सितंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ था। फिल्म दोस्तों दो भाई विभूति और चिरंजी ओझा गुन्ना का अंधा लात चलाते हैं और दोस्तों यह साथ मिलकर पूरे देश में घूमते हैं। उल्टा बाबा एंड सन्स के नाम से मशहूर है। हालांकि दोस्तों अलौकिक प्राणियों और भूत प्रेत की बारे में कुछ नहीं जानते और केवल दोस्तों लोगों को अधिविवास पर ही दिखाते हैं। फिल्म में दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता सैफ अली खान फिल्म में विभू वैद्य के रूप में दिखाई दिए हैं और वहीं दोस्तों अर्जुन कपूर चिरंजीव चिंकू और वैद्य के रूप में अर्जुन अपना रोल निभाए हैं। कनिका कानो कुलभूषण के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम माया और मयू कुलभूषण के रूप में हैं। इंस्पेक्टर छेदी लाल के रूप में जावेद जफरी,
जीएम हरि कुमार के रूप में अमित मिस्त्री है, जेमी लीवर लता के रूप में हैं, और दोस्तों भरवा सच्चा देवा जो दोस्तों उम्मे दच्ची वैद उर्फ उल्टा उलट बाबा के रूप में दिखाई दिए हैं। फिल्म को दोस्तों समीक्षकों से मिले जुले सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने दोस्तों इसके कथनाक कलाकारों विशेष रूप से सैफ अली खान और यामी गौतम के प्रदर्शन हास्य दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों फिल्म की तो बात की जाए तो इससे पाठक कथा की आलोचना बॉलीवुड पॉन कृपलानी की सह कहानी स्त्री और रूही को एक झलक देती है। लेकिन दोस्तों अन्य दो फिल्मों के विपरीत यह फिल्म घोस्ट ब्रस्ट पर केंद्रित है। यह एक अनोखा स्पर्श देता है और कोई मोई ने इसे सकारात्मक समीक्षा दी, 5 में से 3 सितारे रेटिंग दी और कहा कि इफ यू वह गाट इट हंट और सैफ अली खान भी वही करते हैं जो दोस्तों फर्स्ट पोस्ट ने इसे 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी है। लिखा कि दोस्तों सैफ अली खान एक शानदार हर कॉमेडी में जलवा बिखरते हैं और फिल्मी बीट ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि यदि आप कुछ ठंडक महसूस करने की उम्मीद के साथ बहुत पुलिस में उतरते हैं और दोस्तों तो आप निराश हो सकते हैं, निश्चित रहें। और फिल्म सैफ अली खान की रोमांचक हरकतों से भरपूर इंडियन एक्सप्रेस ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि सैफ अली खान बहुत मजा कर रहे हैं। और दोस्तों सुनिश्चित करते हैं कि हम भी ऐसा करें और NDTV ने इसे 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि ब्रिजी केपर फिल्म में सैफ अली खान कॉमेडी के लिए अपना जलवा लेकर आएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि यह बचकानी हर कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की दोस्तों बात की जाए यह फिल्म की कथनाक की ओर तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत राजस्थान के एक गांव में एक युवक लड़की पर भूत भगाने के लिए पहुंचने से होती है, जिसे दोस्तों उस पर उसके दिवंगत दादा का साया था। हालांकि दोस्तों विभूति को जल्द ही पता चलता है कि लड़की उस पर कब्जा करने का दिखावा कर रही थी, जिसे दोस्तों वह स्वीकार भी करती है और पता चला उसे के माता पिता उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे, जबकि दोस्तों वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और भाई उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। और दोस्तों यह यद्यपि चिरंजी अपने भाई द्वारा इस्तेमाल किए जाने और अवैध तरीकों के खिलाफ दोनों एक नकली भूत भगाने का काम करते हैं। बाद में दोस्तों भाई नए मामले को तलाश में एक तांत्रिक मेल में पहुंचते हैं और जबकि वो पति एक ग्राहक के साथ व्यस्त होता है तो दोस्तों चिरंजी अपने पिता की किताब को समझने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके साथ शिविर छोड़ देता है। हालांकि दोस्तों पुस्तक को प्रयुक्त लिपि एक प्राचीन भाषा है जिसे दोस्तों कोई पढ़ना नहीं जानता है। प्राचित और थका हुआ चिरंजी अपने पिता से उसे एक संकेत दिखाने और उसकी मदद करने के लिए कहता है, जो चतुराई से किताब को पहाड़ी से नीचे लुढ़का देता है और माया नाम की एक लड़की के चरणों में रुक जाता है। जब दोस्तों चिरंजी उसे किताब लेता है तो वह गलती से उसे ढूंढ लेता है। प्राचीन पुस्तक को पढ़ने की कुंजी और अपने भाई को सूचित करने के लिए भाग जाता है। विपुल को पहले तो कोई दिलचस्पी नहीं होती है और दोस्तों उसके बीच एक
हास्यास्पद बहस होती है जब अचानक भूपति पुलिस इंस्पेक्टर छेदीलाल को उनकी तलाश करते हुए देखती है। तो दोस्तों फिर भी भूपति चिरंजी को सारा सामना पैक करने के लिए कहती है। और दोस्तों वैन वैन और भागती है और छेदीलाल का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि दोस्तों वह उसका छोटा भाई दोनों भाग सके। इसी बीच चिरंजी माया को उल्टा बाबा के भेष में एक अन्य बाबा गागल बाबा के साथ पता है, जो दोस्तों धोखेबाज होने के कारण परेशान और साथ ही निराश होकर वह माया को उनके असली उल्लत बाबा और बेंटो के बारे में सच्चाई बताता है। कुछ ही मिनटों में भूपति आती है और तीनों धर्मशाला के लिए निकल पड़ते हैं। माया उन्हें बताती है कि किसे 27 साल पहले उनके पिता कुख्यात उल्लाट बाबा ने धर्मशाला में उनके चाय बगान से छिंकडी नाम के एक असाधारण संस्था को भागने में उनके पिता की मदद की थी। अब वही किच्चकंडी वापस आ गई है और मजदूर रात होने के बाद कारखाने में काम करने से डर रहे हैं। और वैन गांव की पहुंचती है और माया की बहन कानिका को छोड़कर सभी लोगों को दोनों को गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जबकि दोस्तों चिरंजीव गांव के लोगों का साक्षात्कार लेता है जिसमें प्रत्येक के पास चिंकड़ी द्वारा प्रेतवाधित होने के अलग अलग वितरण हैं। भूपति तितली नाम की एक छोटी लड़की का मनोरंजन करता है और माया उल्लत बाबा की एक तस्वीर देखती है और एक व्यक्ति को देखती है जो दोस्तों अभी भी आसपास है और संतो नाम का एक व्यक्ति है। भाई सेंटो से मिलने जाते हैं जो एक मठ में रहता है। सेंटो याद करता है कि जैसे कि कैसे 27 साल पहले उसकी पत्नी पर चिंकाडी ने कब्जा कर लिया था जिससे दोस्तों दो लोगों की मौत हो गई थी। सेंटो हमेशा के लिए अदा हो गया था। उल्लट बाबा आए और जंगल में भूत भगाने का काम किया था। चिंकड़ी की आत्मा को एक जार में एक हड्डी में फंसाया और एक जले हुए पेड़ में सुरक्षित कर दिया है। हालांकि दोस्तों सेंटो की पत्नी की मृत्यु हो गई और भाई जंगल में जाते हैं और वहीं जार ढूंढते हैं। विपत्तु और अलौकिक पर संदेह करता है, जार को तोड़ देता है और हड्डी को जंगल में छोड़ देता है। माया का कुत्ता शंख को मुंह में हड्डी लेकर माया के शयन कक्ष में आता है और परिणाम स्वरूप माया वशीभूत हो जाती है और विभूति जो अभी भी संशय में है और पता है कि प्रबंधक चाय के ग्रामीणों को डराने के लिए असली भूत होने का नाटक कर रहा था ताकि दोस्तों कानिका अपनी बहन को उनकी संपत्ति बेचने के लिए मना कर सके। और विभूति पैसे के बदले में नकली भूत भगाने के लिए सहमत हो जाता है। नकली भूत भगाने के दौरान विभूति ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाने के लिए एक नाटकीय प्रसिद्ध परिदृश्य बनाने के लिए उनकी जानकारी के बिना चियारू अनाजी के पेय में नशीला पदार्थ मिला था। चिरंजी को इस बात का पता चलता है और दोनों भाई झगड़ पड़ते हैं और अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। विभूति का सामना फिर से तितली से होता है और छेदी से दूर भागते समय उसे एहसास होता है कि तितली वास्तव में एक भूत और
वह खुद भी भूतों पर विश्वास करने लगता है। किस पंडित जिसके पास अब माया है और चिरंजीव पर हमला करता है और चिरंजीव गलती से आत्मा को माया के शरीर से भूपति के शरीर में स्थानांतरित कर देता है, जबकि दोस्तों उसका इरादा इसे खुद में स्थानांतरित करने का था। चिरंजीव अपने पिता के ज्ञान की मदद से देखता है और कि चिंकड़ी वास्तव में तितली की माँ है और उन दोनों को जमीन के ब्रिटिश मालिकों ने मार डाला था। किंचकंडी को जिंदा जला दिया गया था, जबकि दोस्तों तितली को तब गोली मार दी गई थी जब वह अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। किंचकंडी अपनी बेटी की तलाश कर रही है और भाई और गिरोह के बाकी लोग तितली की किच्चकंडी को फिर से मिलने में मदद करते हैं। और दोस्तों आत्माएं आकाश में उड़ जाती है। माया और कानिका ने अपने बहन के बंधक की पुष्टि की और स्क्रीनिंग काली हो जाती है। और दोस्तों गाना आई आई भूत पुलिस बजने लगता है, जो दोस्तों फिर हम छेदीलाल को एक अज्ञात व्यक्ति के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जो उसे पूछता है कि क्या भूत पुलिस वेयरवुल्व्स और पिशाचों से जुड़े मामले को लेने के लिए तैयार है। छेदीलाल ने अगली कड़ी की इशारा करते हुए उसे पहले स्कॉटलैंड के लिए 3 बिजनेस क्लास टिकट बुक करने के लिए कहा था। फिल्म में सुपरस्टार बात की जाए तो दोस्तों सैफ अली खान, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है, जो दोस्तों फिल्म भूत पुलिस में अपने जबरदस्त भूमिका के साथ दोस्तों देखने को नजर आए हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड की मूवी में काम करते हैं, जो दोस्तों मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और पद्मावती परिवार का हिस्सा है। वह दोस्तों अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और क्रिकेटर मंसूर अली खान की पद्मावती बेटे हैं। खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की नजर डाली तो दोस्तों उन्होंने 1991 में खान को राहुल रवैया की रोमांटिक ड्रामा बेखुदी, 1992 में नवोदित काजल के साथ मुख्य भूमिका के लिए लिया गया था। लेकिन दोस्तों फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल पूरा करने के बाद रवैल ने उनके प्रोफेशन माना और उनकी जगह कमल सतना को ले लिया गया था। फिल्म बेखुदी के दौरान खान की मुलाकात अभिनेत्री अमृता सिंह से हुई, जिसने दोस्तों उन्होंने अक्टूबर 1991 में शादी की थी। सिंह ने उनकी बेटी सारा अली खान, जो 1995, और उनके बेटे जन्म 2001 को जन्म दिया, जो 2004 में उन्होंने छोड़ जोड़ा अलग हो गया था। अभिनेत्री रवीना टंडन और सनी देओल के साथ माध्यमिक रूप से सफल इम्तिहान 1994 में उपस्थिति के बाद खान ने अगली 2 रिलीज के लिए अक्षय कुमार के साथ जोड़ी बनाई थी। यह राज फिल्म्स को हिट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ये दिल लगी और एक्शन और दोस्तों इसमें एक ड्राइवर की बेटी काजल द्वारा अभिनीत और उसके पिता के नियोक्ताओं के 2 बेटे जो कुमार और खान द्वारा अभिनीत के बीच एक प्रेम त्रिकोण को दर्शाया गया था। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी खिलाड़ी श्रृंखला की पूरी दूसरी फिल्म है और खान को एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में दिखाया गया था, जो दोस्तों यह साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और फिल्म बनकर उभरी थी। बॉलीवुड हंगामा ने बताया कि दोनों फिल्म की सफलताएं खान के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई है और दोस्तों मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन दिलाया था। इंडियन एक्सप्रेस ने दोनों फिल्म में उनके अभिनय को प्रमुखता
दी और बाद में उनकी कॉमिक टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब भी वह स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो दोस्तों दर्शक हंसते हंसते लोटपेट हो जाते हैं। खान की बॉस की अगली दो रिलीज नाटक यार गद्दार और आयो प्यार करे असफल रही थी। 1990 के दशक के दौरान उनके करियर में लगातार गिरावट देखी गई और सभी 9 फिल्मों में उनके अभिनय किया। सुरक्षा 1995, एक था राजा 1996, बम्बई का बाबू 1996, तू चोर मैं सिपाही 1996 और दिल तेरा दीवाना 1996, हमेशा 1997, उड़ान 1997 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों लगातार 4 वर्षों तक खराब प्रतिक्रिया पाने वाली फिल्मों के बाद उन्होंने 1991 में खान के कैरियर में संभावनाओं में सुधार होना शुरू हुआ था। वह दोस्तों 4 फिल्मों में दिखाई दिए और ये है मुंबई, मेरी जान, कच्चे धागे, अरजू और हम साथ साथ है रोमांटिक कॉमेडी। ये है मुंबई, मेरी जान, ट्विंकल खन्ना के साथ और रोमांस, अर्जु, माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार के साथ। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कमाई की, लेकिन दोस्तों एक्शन थ्रिलर कच्चे धागे दो बिगड़े भाइयों की कहानी आतंकवादी साजिश का निशाना में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में बाद में खान की पहली भूमिका व्यावसायिक सफलता थी और मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित फिल्म आमतौर पर खूब सराहा गया था। लेकिन दोस्तों आलोचकों ने कहा कि सह अभिनेता अजय देवगन खान पर भारी पड़ेंगे। हालांकि दोस्तों इस फिल्म ने खान को कैरियर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नामांकन दिलाया था। खान ने वर्ष की अपनी अंतिम रिलीज सूरज बारचात्या द्वारा निर्देशित पारिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है को मनोबल बढ़ाने वाले बताया था और फिल्म को कलाकारों की टोली मोहनीश बहल, तब्बू और सलमान खान, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर शामिल थी। और दोस्तों यह फिल्म दुनिया भर में 800 मिलियन यानी US 10 मिलियन से अधिक का कलेक्शन के साथ साल की सबसे ज़्यादा